अभिवादन करेंगे। श्री गुरु नमः। पुनः बैठ जाइए सभी, सभी बैठ जाएंगे और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वो परमात्मा जो कण कण में विराजमान इस ब्रह्मांड का संचालन करता है, प्रभु की आराधना करते हैं तालियों के साथ। मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले, जन्म सफल हो गारे बंदे, जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती को, ओम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में ओम बसा ले, जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसा ले, 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 मन में ओम बसा। परम पुरुष स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम फोन तो कर लो भाई, कौन कर लो। ओम ओम प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद योग ऋषि स्वामी जी महाराज जन्म जन्मांतरों के पुण्य प्रताप से बाल ब्रह्मचारी योग और आयुर्वेद सहित वैदिक दर्शनों के महान मनीषी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं तितिक्षु सन्यासी जिनके सानिध्य में देश व विदेशों में सैकड़ों गैर आवासीय तथा आवासीय योग विज्ञान शिविरों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 20 करोड़ से अधिक लोगों ने असाध्य रोगों से मुक्ति व आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया है। ऐसी महान विभूति को हम सब की तरफ से शत शत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अल्प समय में 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके योग आयुर्वेद और स्वदेशी का परचम दुनिया में फैला दिया है। अब बस एक ही धुन है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में एक एक आचार्य कुलम खोला जाए, ताकि भावी पीढ़ी चरित्रवान बने, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। आपके शुभाशीर्वाद से संचालित पतंजलि योग पीठ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ज्ञान और शिक्षा के आंदोलन की यात्रा सबसे पहले हरियाणा में हिसार जिले से शुरू हो रही है। योग शिविर तो एक बहाना है, आपके बच्चों के लिए आचार्य कुलम बनाना है, ताकि प्रत्येक बच्चा मानव से महामानव बन सके और उनके द्वारा राष्ट्र महान राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सके। पुणे महाराज श्री के को नमन करते हुए चरणों में वंदन। आगे का बहन पुनिया जी दीप प्रज्वलन के लिए। ओम ओम। सर्वप्रथम मेरा और इस हाल में उपस्थित सभी सभासदों के ओर से हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महाराज स्वामी रामदेव जी के चरणों में, गुरुवर के चरणों में प्रणाम। आज के दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ आज की राज्य हमारी हिसार हरियाणा राज्य की राज्य कार्यकारिणी की सदस्यों को, भाई ईश आर्या जी आगे आएंगे, भाई संजीव धीमन जी, बहन सत्या जी राज्य प्रभारी, बहन इंदिरा जी राज्य कार्यकारिणी सदस्य, भाई देवेंद्र जी और हमारे लाइफ मेंबर भाई शशि आर्या जी, भाई
राजेश जी, दीपक जी, देवकी नंदन भाटिया जी, श्री यशपाल आर्या जी, श्री सुदर्शन राठी जी, भाई सत्यवीर जी अभी आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर देंगे, डॉक्टर शशि भाटिया जी, यशपाल आर्या जी आशीर्वाद ले रहे हैं। भाई सत्यवीर जी, सहयोगियों को आशीर्वाद के लिए। पाली पाली, श्री त्रिभुवन जी मंच पे आएंगे। श्री त्रिभुवन जी, गीता बुटानी जी, श्रीमती सुदेश पानू जी, श्री शुभम जी ऊपर आते जाएंगे मंच पर, श्री कृष्ण लाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री हरनारायण मलिक जी आशीर्वाद लेंगे, श्रीमती गीता भुटानी जी, श्रीमती सुदेश पानू, श्री शुभम जी, श्री कृष्ण लाल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री फतेह सिंह जी, श्री मुनीराम जी, आप हिसार के पतंजलि योग समिति के प्रभारी भी हैं, योगेश बिदानी जी, मैडम बिदानी जी, श्री सत्यवीर जी, राजेंद्र सिंह जी, श्री ईश गिरधर जी, वेद झंडई जी, जो हमेशा रक्त दान के कैंप हमारे यहाँ लगवाते रहते हैं, श्री संतराम जी, राकेश आर्या जी, बहन उर्मिल जी, बहन चंद्रवती जी, श्री रामेश्वर दास जी, श्रीमती स्नेह जी, स्नेह छोरिया जी, श्री रमेश कुमार जी, श्रीमती राधा रानी जी, श्री सत्यनारायण जी, वेद प्रकाश आर्या जी, मैडम वेद प्रकाश आर्या जी, और अब आदरणीय बहन डॉक्टर प्रवीण पूनिया जी जो महिला समिति में निरंतर सेवा दे रही हैं, वो और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले भाई मुकेश जी जो निरंतर 24 घंटे 365 दिन इस योग के सेवा के कार्य में लगे रहते हैं, श्री वीरसेन जैन जी जो कार्यालय का कार्य देखते हैं, और हमारे मध्य में आज जयपुर के इसी प्रकार का जो भव्य आयोजन यहां हो रहा है योग का महाकुंभ जो 12 वर्षों बाद हिसार की धरती पर हो रहा है, जयपुर से आदरणीय श्री कमलकांत जी जो हमारे आगामी योग शिविर के आयोजक हैं, वो भी पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लेने और शिविर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए यहां पर पधारे हैं। भाई संदीप जी, पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, और आइए हरिद्वार से ये जो योग की गंगा आई है इसमें स्नान करने के लिए, पुराने समय में योग की विद्या को सीखने के लिए गुफाओं में कंदराओं में गुरुओं के आश्रम में जाना पड़ता था, गुरुओं की आश्रम की सेवा करनी पड़ती थी तब थोड़ा सा ज्ञान मिलता था, आज पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य में स्वयं आकर हमें योग के ज्ञान की गंगा में सराबोर कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई राकेश जी को, भाई जयदीप जी को,
भाई जी, संजीव जी, बहन प्रवीण पूनिया जी, सत्या जी आदि सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन, और इस पूरे जिले में, पूरे हरियाणा प्रांत में जो पूरा पुरुषार्थ करके इस योग की सेवा कर रहे हैं, और पूरे देश भर में करीब 1,00,000 निःशुल्क योग की कक्षाएं कार्यकर्ता भाई बहन अपने गृहस्थ धर्म के साथ इस योग धर्म को सर्वोपरि मान करके इस सेवा में लगे, उन सबको बहुत बहुत आशीष, उन सबके लिए भगवान से बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आइए हम सब मिल करके अब योग की साधना में प्रवेश करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए, ओम, यही भगवान का सबसे बड़ा नाम है, गायत्री मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। ये पिंड ब्रह्मांड जो कुछ इस सृष्टि में हम दृष्टि डालते हैं तो दिखता है ये सब भगवान का ही दर्शन है, भगवान का ही प्रत्यक्ष दर्शन है, भगवान का ही प्रत्यक्ष मूर्त सगुण साकार रूप है। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। और इसके साथ यथा योग्य विवेकपूर्ण न्यायपूर्ण व्यवहार करना ही भगवान की पूजा है, अपना कर्म ही अपना धर्म अपनी पूजा है। लंबे गहरे श्वास भरते हुए पावन ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का जप करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए साधना में प्रवेश करेंगे। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु तेजस्विनावधीतमस्तु मा ॐसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रार्थना के बाद अब योग की क्रियात्मक साधना शुरू करते हैं। देखो, योग में जैसा कि कल आपको हमने
बताया और सिखाया सैकड़ों प्रकार की क्रियाएं, 100 से ज्यादा प्रकार की क्रियाएं हम सिखाते हैं और योग से जुड़ी हुई हजारों बातें आपको बताते हैं। इसलिए मैंने कहा था पेन डायरी लेकर के आना, बहुत कुछ आप सीखेंगे इन 5 दिनों में। दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। 20 मिनट का व्यायाम करना सबके आरोग्य के लिए जरूरी है। उंगलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबा लीजिए। ये 10-10, 20-20 बार एक एक सूक्ष्म व्यायाम को करवाएंगे। 20 मिनट का व्यायाम, इसमें एक है ये सूक्ष्म व्यायाम, दूसरा होगा फिर योगिक व्यायाम, तीसरा होगा फिर सूर्य नमस्कार, चौथा होगा फिर दंड बैठक। उसमें 20 अभ्यास होंगे, ये सब मिलाकर के ही 100 अभ्यास से ज्यादा हो जाते हैं। एक एक अभ्यास को यदि काउंट करेंगे तो आप लगभग व्यायाम के ही करीब 100 अभ्यास हो जाते हैं। और आपको हम ये सब सिखा रहे हैं, करवा भी रहे हैं। उंगलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाया, फिर पूरे पंजे को आगे पीछे दबा दीजिए। देखो ऐसे, जैसे बताया जा रहा है वैसे ही करना, जितनी देर बताया जा रहा है जिस अभ्यास को उतना करना। व्यायाम की मैं बात कर रहा था, देखो व्यायाम करने से आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, शुगर की समस्या नहीं होगी। कल मैंने एक बात कही थी, पता नहीं कितनों को याद है कितने भूल गए, क्योंकि जब आप योग कर रहे होते हैं तो बस ऐसा ही लगता है बाबा जी बहुत अच्छा करा रहे हैं। क्या क्या करा रहे हैं बोले ये मत पूछो, क्या क्या बताया ये भी मत पूछो, क्योंकि ध्यान नहीं देते आप लोग। आगे पीछे दबाए, फिर गोल गोल घुमा लीजिए, पैर सीधे गोल गोल घुमाइए दोनों हाथ साइड में, और पूरी एकाग्रता से कीजिए। मैंने कहा था विधि अर्थात मेथड, समय अर्थात टाइमिंग, एकाग्रता अर्थात कंसंट्रेशन, और निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी के साथ किया हुआ योग पूरा लाभ देता है। लंबा लंबा श्वास ऐसे भर, ऐसे गोल गोल घुमाए। एक बात बहुत गहरी बताई थी मैंने कि योगाभ्यास करने से हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा कैरेक्टर किस पर आ जाता है, ऑटो मोड पर आ जाता है। और अब लंबा गहरा सांस भर के आगे पीछे पूरा झुकेंगे, ऑटोमाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के सर्विसेज से लेकर के हर एक साइंटिफिक एस्पेक्ट में, इस धरती से हजारों नहीं लाखों किलोमीटर दूर जो सैटेलाइट हमने छोड़े हुए हैं वो भी किस पर काम कर रहे हैं, ऑटो सिस्टम पर काम कर रहे हैं, धरती पर बैठे हुए उनको कंट्रोल करते हैं। तो पूरा शरीर का जो सिस्टम है, मैंने कहा था 99% हमको पता ही नहीं लगता कि लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। योग करेंगे तो पूरी बॉडी ऑटोमाइजेशन पर आ जाएगी और फिर कोई डिजीज होगी नहीं। डिसऑर्डर क्या है, बॉडी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम वो डिस्टर्ब हो गया, उससे केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया, अंदर की शक्तियां सोई हुई रहती हैं। गोल गोल घुमाओ, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बड़ी बातें हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। दोनों पैरों को खोल लीजिए, यही बीमारियां हैं, भीतर का इंबैलेंस, यही भीतर का बैलेंस बिगड़ गया, इसी को बोलते हैं। जब मेडिकल साइंस में टेस्ट कराते हैं ना, चाहे ब्लड टेस्ट हो, एमआरआई हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो किसी भी बीमारी के लिए कोई भी टेस्ट कराते हैं, तो क्या पता लगाते हैं भीतर जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं, बैलेंस बिगड़ गया, भीतर की शक्तियां सोई हुई है। और तीसरी बात, फिर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। जहां भी डिजनरेशन होगा, दोनों पैरों के तलवों को मिला लीजिए, ऐसे वही डिजीज हो जाएगी।
दोनों पैरों के तलवों को मिला लीजिए। हड्डियों में डिजनेशन हुआ तो हड्डियों की बीमारी, स्किन में डिजनेशन हुआ तो स्किन की बीमारी, आंखों में डिजनेशन हुआ तो आंखों की कमजोरी और बीमारी, ब्रेन में डिजनेशन हुआ तो डिमेंशिया से लेकर के अल्जाइमर से लेकर के डिप्रेशन से लेकर के बहुत तरह की बीमारी हो जाती है। आंखों में, ब्रेन में, स्किन में, दांतों में डिजनेशन आता पायरिया की बीमारी, गले में डिजनेशन हुआ तो थायराइड की बीमारी, लंबे लंबे श्वास लेते रहो, फेफड़ों में डिजनेशन हुआ तो श्वास दमा की बीमारी, लिवर में डिजनेशन हुआ तो हेपेटाइटिस की बीमारी, आंतों में डिजनेशन हुआ तो कोलाइटिस की बीमारी, पेनक्रियाज में डिजनेशन हुआ तो पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज की बीमारी, यूट्रस ओवरी में डिजनेशन हुआ तो इन्फर्टिलिटी की बीमारी, पुरुषों को टेस्टिकल्स में डिजनेशन हुआ तो उनको भी इन्फर्टिलिटी, संतानहीनता, पुरुषहीनता, बहुत तरह की ये सब बीमारियां क्या डिजनेशन है। कहीं पर भी डिजनेशन हुआ, किडनी में डिजनेशन हुआ तो किडनी फेल हो जाएगी, दोनों हाथ सामने। योग से अब क्या करते हैं हम, जरा ये सारा योग माने सूक्ष्म व्यायाम, व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान से लेकर के ये जो क्रियात्मक योग है, ये तो पूरा जीवन ही योग है। जीवन में जो भी हम प्रसन्नता, पवित्रता और एकाग्रता के साथ जो भी कार्य करते हैं वो सब योग है, पूरा जीवन ही योग है। पहले उंगलियों को अंगूठों को ऐसे दबाया था 10-10 बार, फिर ऐसे अंगूठा अंदर उंगलियों ऊपर, लेकिन ये सुबह सुबह का क्रियात्मक योग है, सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग, ये सूत्र है दो जीवन के। सब मेरे साथ बोलेंगे सुबह सुबह क्या करना है और दिन भर क्या करना है, कर्म योग। बच्चों का कर्म योग है पढ़ना, अध्यापकों का कर्म योग है पढ़ाना, किसान का कर्म योग है खेती करना, व्यापारी का कर्म योग है ईमानदारी से व्यापार करना, खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं करना और लोगों को धोखा नहीं देना, ठगी नहीं करना, जो भी अपना काम है उसको ईमानदारी से करना, सच्चाई से करना, प्रामाणिकता से करना, लंबा लंबा श्वास भरना, मुठ्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुठ्ठियां बंद, गोल गोल घुमा रहे। मैंने कहा पूरा जीवन ही योग है, उसको संज्ञा दी गई कर्म योग, भगवान की भक्ति करना इसको संज्ञा दी गई भक्ति योग। और सुबह सुबह आप जो योग कर ही रहे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने अध्यात्म के लिए 3 शब्द दिए हैं, ज्ञान योग अर्थात हर कार्य को ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक करना, दोनों हाथ सामने सीधे, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्धोपासना, यही योग की त्रिवेणी है। क्या बोला मैंने, बोलिए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ज्ञान कर्म उपासना, यही योग की त्रिवेणी है। लंबे लंबे श्वास, फिर दोनों कोनियों को सामने से मिला लीजिए, ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले तो ही जीवन में उद्धार हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास, रोज योगाभ्यास करना, मेरे साथ कर लेना रोज सुबह, जो 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 बजे आस्था चैनल लगा लीजिए, 4 बजे से हम प्राणायाम और ध्यान कराना शुरू कर देते हैं, फिर 4:45 बजे तो लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाता है, अकेले हो नहीं पाता ना, समस्या एक ही तो है। बोले बाबा जी घर में करना तो चाहते हो नहीं पाता, तुम्हारे घर में रोज मैं आता हूँ, विज्ञान का ये बहुत बड़ा इस्तेमाल हो गया है, यदि ये विज्ञान नहीं होता तो बाबा अकेला ही होता, एक बाबा को हजारों नहीं लाखों करोड़ों घरों में करोड़ों रामदेव बनाने का यदि काम करता है तो वो टीवी करता है। इस टीवी ने देश बिगाड़ा भी और ये टीवी सुधारेगा, कांटे से कांटा निकलेगा भाई, दोनों हाथ ऊपर उठा लो, सुबह उठ करके मेरे साथ साथ बस योग करना शुरू कर दो, सूक्ष्म व्यायाम, फिर इसके बाद योगिक व्यायाम करवाएंगे, सूर्य नमस्कार कराएंगे, परंपरागत व्यायाम, व्यायाम के 4 चरण होंगे, फिर आसनों के भी 2 चरण होंगे, एक रोज करने वाले आसन, एक रोग के अनुसार आसन, फिर प्राणायाम ध्यान, और दूसरा दिन है बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, श्रद्धा से करना।
हर समय मन भगवान में लगा रहे। योग के समय विशेष बात, योग करते समय मन भगवान में लगा रहे। वैसे तो काम दुनिया में करो, मन भगवान में लगा रहे। हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए तो खुश रहते हैं। आप एक छोटा सा घर चलाते हो, उसी में ऊपर नीचे होते रहते हो, सिर के बाल उड़ गए, खेती उजड़ गई पूरी, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट की बीमारी होगी, नींद नहीं आती है। क्यों? बोलो बाबा जिम्मेदारी बहुत है ना। अरे हम भी तो काम कर रहे हैं, क्या हम गैर जिम्मेदार हैं? बलराम आप जिम्मेदार तो हो, लेकिन आपकी लो भगवान से लग गई तो तू भी लगा ले भाई, इसमें दिक्कत क्या है? श्वास अंदर भरो, हर समय भगवान का ध्यान करो। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसने है परमेश्वर तेरा, किसने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। लंबा श्वास भरा, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर दबाव दिया, और एक एक सूक्ष्म व्यायाम ऐसे श्वासों के नियंत्रण के साथ करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, लंबे लंबे श्वास भरते हुए एक अभ्यास को ऐसे भाव से करना, भक्ति पूर्वक करने से एक दिव्य शक्ति अंदर से मिलती है, जो इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, उससे हमारा संबंध जुड़ जाता है। लंबा लंबा श्वास, और गर्दन को भी ऐसे गोलाई में घुमाना, गर्दन में ज्यादा दर्द हो तो आगे मत झुकाना, बाएं बाएं ऐसे और पीछे की ओर ऐसे झुकाना। ओ अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक। और अब खड़े हो जाइए, सूक्ष्म व्यायाम हो गया ना, अब यौगिक व्यायाम कराएंगे। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सृष्टि के अंदर बाहर तो, अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन
तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। समर्थ है ये पूरे ऐसे बैठा बोल बाबा टांग फट जाएगी। होले होले कर लो, ऐसे देखो कितना आनंद आता है। तुम्हारे शरीर अभी करेंगे होले होले हो जाएगा। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कहे तेरी माया। ये देख कर कराने के लिए आपको तेरा अभ्यास बताए थे, उसने भी बताया थे ना पांच अभ्यास खड़े होकर के, साइड का वेट है एकदम जो भी बढ़ा हुआ है, एक्सिस फैट मेल्ट हो जाता है इससे। कितनी बार करना ऐसे, 25-50 बार 100 बार तक कर सकते जो मोटे मोटे, बस जब तक तुम्हारी कमर तुम्हारी मुट्ठी में ना आ जाए तब तक करते हैं। इतना इतनी सी कमर होनी चाहिए और अंदर खींचो तो 2 इंच की देखो। करो तुम्हारा भी ऐसा ही होगा पेट लंबा लंबा श्वास, रोज ऐसे करना ही होगा क्या किसी से भगवान की भक्ति पूरा करना। कमर में दर्द है तो आगे जाकर मत झुकना, उचर कचा कमर में दर्द रोग हर्निया है तो आराम आराम से करना, ध्यान रखना। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ गए, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर न आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, परमेश्वर तेरा किसी में है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। गुरुओं का
कहे तेरे याद रहेंगे सारे भूल ना मत। अब ये बारहवें अभ्यास में ना कुछ ऊटपटांग कूदने लगते ऐसे कूदेंगे, ऐसे नहीं चला गया गाना, एक ही जगह पर ना ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते जिधर हाथ उधर खुल एक ही जगह पर वहीं से घूम रहे तो इससे पूरी बॉडी का पूरा फुल बॉडी एक्सरसाइज साइंटिफिक कंप्लीट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज। फुल बॉडी एक्सरसाइज एक और होती है, योगिक जोगिंग तो सभी कर लेते हैं इसलिए दो चरण पूरे करवा दिए। अब ये दो स्टेप ना एडवांस एक्सरसाइज के, चलो कोशिश तो कर लो आप कौन से एडवांस लेंगे। बहुत जोरदार हो आप भी, लंबा श्वास भरो, श्वास अंदर भर के हाथ नीचे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। और आगे कितना झुकना है, आगे झुक के माथा घुटनों से लगाते। मैंने बोला पहले ही जिनको हार्ट हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, हड्डियां कमजोरी हो तो आराम आराम से कोई भी अभ्यास करना जितना कर पाए उतना करना, कमर में दर्द वाले तो आगे भी मत झुकना। फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए, इतना तो सब बैठ सकते हैं और अधिक बैठना चाहिए तो इतना बैठ सकते हैं। फिर ये पैर भी पीछे नहीं, फिर आगे झुक गए, उठ गए, फिर बीच से उठ गए, फिर बायां पैर आगे ले लिया और ऐसे ऐसे देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे इतना इतना ही कर लो पूरे बैठते को तो ऐसे बैठता। फिर ये दाहिना पैर भी आ गए और श्वास भर, श्वास अंदर भर के हाथ ऐसे फिर से एक बार करके देखना, लंबा श्वास भरा, आगे फिर अंदर भरा, फिर घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, मेरे ऐसे सामने हाथों का पैरों का पेट का पीठ का पूरे शरीर का इसमें पूरा व्यायाम हो जाता है। साइंटिफिक इफेक्टिव कंप्लीट फुल बॉडी एक्सरसाइज। कुछ बात समझ में आई, ये है व्यायाम का तीसरा चरण। फर्स्ट सूक्ष्म व्यायाम, सेकंड योगिक जोगिंग योगिक व्यायाम, थर्ड सूर्य नमस्कार और फोर्थ दंड बैठक। बैठक तो लगा लोगे, दंड लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी ना, चलो जितना लगा सको उतना तो कर लो। आधे आधे दंड लगा बैठक लगा लेंगे, ये आधे वाला हुआ है ना, अब ये पूरे वाला हो गया। अब ये पूरे वाला भी आधा तो कर सकते ना, इसे पहले दंड बैठक कसरत सब किया करते थे। लंबे श्वास देखो ऐसे ऐसे तो करते थे सब पहले, तो फिर हमें पुरानी चीजों की याद दिला दी। रिलैक्स, रुक जाओ, दो दो तीन तीन बारी करना नहीं तो कल दुखेगा। तीसरा, दोनों सामने श्वास अंदर भर के ऐसे धीरे धीरे नीचे जाते ऐसे देखो, फिर धीरे धीरे ऊपर श्वास भर के धीरे धीरे नीचे गए, धीरे धीरे ऊपर उठे। मैंने कहा था पूरा शरीर फूल की पंखड़ियों की तरह खिला हुआ होना चाहिए, एक एक मांसपेशी शरीर की खूबसूरत। वापस आ गए, अश्मा भवतु न संवित, भगवान कहते हैं हमारे शरीर वज्र की तरह होनी चाहिए। अगला अभ्यास, एक छलांग लगाएंगे और आगे जाएंगे ऐसे, ये फिर आधा तो कर सकते हो वापस, इतना इतना तो कर लो कितना अच्छा है, ऐसे ऐसे चार हो गए। पांचवे में थोड़ा कठिन है, आधा तो सब कर सकते हैं, ये आधा हो गए, तीन बार किया फिर उठ गए ऐसे ऐसे, इससे पूरे शरीर की तंदुरुस्ती अच्छी होगी।
फिर पूरा करना चाहो तो तीन बार किया, उठ गए, कितना सहना, हल्का शरीर, स्वस्थ शरीर, फुर्तीला शरीर, हेल्दी, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक, फिट बॉडी से ना सब। पांच हो गए पूरे, छह सात आठ इनका नाम ही है हनुमान बैठक। अब हनुमान जी तो बल्कि सबसे बड़े देवता हैं। हनुमान जी हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे आइकॉन हैं, हमारे आदर्श हैं। आजकल लोगों ने अपने घरों में हीरो हीरोइन के फोटो लगाने शुरू कर दिए। घर में फोटो किसका लगाओ? हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, महर्षि दयानंद का, स्वामी विवेकानंद का, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लक्ष्मी दुर्गा, सरस्वती का। इससे अपने बच्चों में प्रेरणा मिलेगी। चित्र देख करके अच्छे चरित्र की प्रेरणा मिलती है ना, ऐसी आधा तो सब कर सकते, पूरे में दिक्कत आएगी। तो ऐसे कितने अच्छे हैं ना, ऐसे ऐसे आधा आधा तो सभी कर लेते हैं, पूरे करने में थोड़ी दिक्कत आती है। भगवान हरियो को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म दिखा दे, जीना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म दिखा दे, मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान हरियो को ऐसा राष्ट्र बनाना है, खुद को ऋषियों जैसा बनाना है, भगवान राम कृष्ण के सपनों का भारत, रामकृष्ण का भारत, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत। ये आठ बैठक बता रहा है, तो उसमें आठवीं है ये, आधा तो कर सकते हैं, कितना अच्छा देखा। भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दे, वैदिक धर्म के खातिर, हाँ वैदिक धर्म के खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म के खातिर, अरे देश और धर्म के खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। बोले बाबा पढ़ जाएंगे, समय लगेगा, बैठो 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 बैठो। अब बारह दंड है, बारह दंड है, बड़ी मुश्किल मुश्किल है, ऐसे बैठो, उसमें एक सब कर सकते हो, एक या दो, पहला और लास्ट, पहला ये देखो ऐसे भरा ऊपर उठे, एक तो कर लो, सब कर सकते हैं इसको। तो ये पहला है, हाथ एक शरीर को शक्ति मिली, पूरे शरीर को मजबूती मिली, पहले ऐसे करते थे। और लास्ट क्या है, 20 के मैं बाद में बता दूंगा, लास्ट ऐसा है, ऐसे बैठो, ऐसे मेरी तरह से, खबरदार होशियार बैठो, ऐसे दो ऊपर, तीन वापस, कितना सरल है ना। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, हर्निया हो, ज्यादा कमजोरी हो, तो बैठ के बटरफ्लाई कर लेना है, कपाल भाती कर लेना, शेष मेरे साथ करो ना, देखो ऐसे कितना आसान करो। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, विष्णु से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कनाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा।
तेरे हमने भी किया कि रुक गए सिखा दे। देखो ये तो दो बताए थे, आखिर दो नहीं ये नहीं होते थे, ये तो कर लो कपाल भाती तो कर लो। ये अपने जवान बेटा बेटियों को सिखाना, जो बचपन में योग करने लग गया ना फिर उसका मन इधर उधर भटकी गई नहीं, मन काबू में रहेगा, तन में शक्ति, मन में सद्विवेक की सद्ज्ञान की शक्ति। वो आपका बच्चा बलवान बनेगा, चरित्रवान बनेगा, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, संस्कारवान, महान बनेगा, जो बचपन से योग करना शुरू कर दिया था। आप भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, और जवान बच्चों को मैंने दो ही बताए ना, बारह अभ्यास कराना, पसीना है ना बाबा को, ऐसे पसीना आना चाहिए सुबह सुबह टपक टपक पूरा। जवानों का एक बार पसीना आया तो जवानी कैसी है? ये जवानी कोका कोला पेप्सी थम्स अप पीने के लिए थोड़ी है, इतने शातिर हैं, बुलाओ कुछ तूफानी करते हैं, इनका तूफान थम्स अप में भरा हुआ है, धत तेरी की, तूफान तेरे अंदर है, शक्ति तेरे अंदर है, लंबे लंबे श्वास। देखो ये तो पहला अभ्यास, पहले और लास्ट को बता दिया था, ये दूसरा अभ्यास है, लाल पैदा खेले तू गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले तू गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की गोलियों से, गूंजे ये देश मेरा सिरों की गोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर, फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन की खातिर, फांसी पे भी हंसा दे, वैदिक धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान यार। ये शेरदंड शेरदंड करना तो बड़ा मुश्किल है, फिर ये सर्पदंड होता है इससे आगे, इधर ऐसे किया इसको सर्पदंड कहते, और लास्ट वाला तो पहले ही बता दिया था आपको, इसको कहते हैं ऐसे। तो ये आपको बारह दंड बता दिए, समझ में आया? सब चाहते ना हमारे मसल्स मजबूत हो, ऐसे देखते रहते हो, ये मसल्स अच्छे हो गए, सीना भी उभर गया, पूरा शरीर ताकत से भर गया। रोज योग करना, पानी में पानी डालो तो क्या बढ़ता है बोलो? पानी में पानी डालो तो पानी बढ़ेगा, मिट्टी में मिट्टी डालो तो, और धन में धन डालो तो, धन ज्ञान में ज्ञान डालो तो, ऐसे बल में बल डालो, बल लगाने से ताकत लगाने से क्या बढ़ेगी? ताकत, ताकत बढ़ानी है तो एक तरीका बता दिया। तो चलो आपको अभी हमने व्यायाम का तरीका बताया, चार तरीके बताए याद है, 20 मिनट रोज कर लेना, फिर बताने में थोड़ा समय लग जाता है ना, सूक्ष्म व्यायाम, योगिक व्यायाम, योगिक जोगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, और चौथा जो तरीका था उसका नाम था
दंड बैठक, व्यायाम पूरा हो गया और अब आपको बताते हैं आसन। बैठ जाओ ऐसे, 12 आसन कम से कम सबको रोज करने हैं। सुबह सुबह ऐसे मेरी तरह से व्यायाम कर लोगे जितना जिससे बन पाए, तो ऐसे ही पसीना बहेगा आपके भी शरीर से जैसे बाबा जी के बह रहा है। और ये पसीना कह रहा है सब ऐसे ही पसीना बहाओ और मस्त हो जाओ। जैसे सुबह सुबह पसीना बहाता है फिर उसका मन इधर उधर भटकता ही नहीं, वो मस्त हो जाता है। कैसे नशा करके कैसे होता है? बोले बाबा जी उसके भीतर एक केमिकल रिएक्शन होता है और उससे दिमाग की उत्तेजना खत्म हो जाती है, सब कुछ डल हो जाता है। वो तो मस्ती नहीं है, वो तो बेकार का काम है। योग करने से ना बीटा इंडोरफिन इंकाफिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, प्रोलैक्टिन कॉर्टिसोल एसीटीएस हार्मोन डाउन चले जाते हैं। ये पूरी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभिक दोनों ऐसे लगा लो मुट्ठियां। ये 12 आसन सबके लिए कंपलसरी है, सबको रोज करना है। प्रसन्न कुछ तो आगे झुकी नहीं रहे, गलत बात है। देखो कमर में दर्द है तो बैठे बैठे दबाना, बाकी जितना झुका जा सके आगे झुकना। देखो भाई बहनों, ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है, और ज्यादातर लोगों के पेट खराब है और डायबिटीज की भी बीमारी होने की संभावना है। घने राजी मत हो, मैं ठीक ठाक हूं, तेरे पड़ोसी को रखे तेरे को भी हो जाएगी कल को। योग कर ले, आगे झुके ना, नॉर्मल सांस लो और छोड़ो। देखो ये है मुंडू का सर, डायबिटीज के लिए और पेट के लिए रामबाण है। पेट ज्यादा खराब हो तो सुबह उठकर के आंवला एलोवेरा का जूस 4 चम्मच पी लिया करो, गर्म पानी में डाल के, पेट एकदम साफ हो जाएगा, दिन भर एनर्जी रहेगी, बाल नहीं जड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चमड़ी एकदम जवान रहेगी, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, अर्थराइटिस एसिडिटी कोई बीमारी ही नहीं होगी। और ज्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो तो एक गिलोय घनवट्टी साथ में और ले लेना। पेट ठीक रहना जरूरी है, ज्यादा ही कब्ज रहे तो रात को त्रिफला ले लो गर्म पानी के साथ, पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। अब सुबह उठ के पेट साफ हो जाए ना बहुत अच्छा लगता है, और फिर योग करो तो पूरा फायदा होता है। ये मंडू का आसन, आगे झुक करके रुकना, नॉर्मल सांस लेना आगे झुक के। दूसरा ब्यास मंडू का आसन का, बाएं हाथ नीचे दाएं होकर झुक के रुका करो, पेट को अंदर ऐसे ऐसे किया करो, इससे पेट की ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है। लिवर, स्लीन, इंटेस्टाइन, पिनकियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र, पूरा प्रजनन तंत्र, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑक्सीडेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बैलेंस हो जाता है। वापस आ जा, जिनको डायबिटीज की बीमारी है ना वो इस आसन को कितनी बार कर लेना,
पांच बार 10-15 बार तक कर लेना, एक ही आसन मुंडकासन, बहुत जबरदस्त, और कपालभाति प्राणायाम, इसी से ही आपका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये मुंडकासन बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए, डायबिटीज की बीमारी है तो खीरा करेला टमाटर का जूस पीना, वैसे भी यदि लौकी का जूस पिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, पेट अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर तो क्योर ही हो जाता है लौकी के जूस से। हाँ बहुत जबरदस्त चीज है, सबके लिए लौकी का जूस, बस थोड़ा ठंडा होता है तो जिनको अर्थराइटिस है अस्थमा उनको उसका सूप बना के पीना चाहिए। खीरा करेला टमाटर का जूस पीने से तो पेट बहुत अच्छा रहता है, दूसरा शुगर एकदम 100% कंट्रोल आ जाती है, ज्यादा ही शुगर हो तो थोड़ा मधुनाशिनी 2-2 गोली सुबह शाम चबा करके फिर पानी पी लेना, या खीरा करेला टमाटर के जूस से लेना सुबह शाम खाली पेट, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। मंडूकासन आपको करवाया अभी, डायबिटीज और पेट के लिए रामबाण जबरदस्त। देखो आपको मैंने कल शीर्षासन, सर्वांगासन, अलासन, चक्रासन, ये जवानों के लिए, बच्चों के लिए खास आसन भी बताए थे, लेकिन ये सबके लिए आसन 12 आसन। श्वास अंदर भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, अब ऊपर उठना, जब मैं कहूं तब ऊपर उठो, जब तक ना कहूं तब तक नीचे रहा करो, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ, थैले को माथा जमीन पर टिकाओ, आगे झुकने के बाद श्वास की गति सामान्य सामान्य लेते रहो, तुम अब ऊपर उठो, और उठ करके दोनों हाथ साइड से नीचे लेकर के आएंगे, बहुत सुंदर किया सबने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पैर सामने खोल लेंगे, आगे झुकना चाहिए, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो, मैं सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करता, पूरे अस्तित्व को प्रणाम करता हूं कि कितना उपकार है इस पूरा अस्तित्व का मुझ पर। सब मेरे साथ बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा आचार्य देवो भवा अतिथि देवो भवा राष्ट्र देवो भवा। ये पैर सीधे है ना, अब अगला अभ्यास करना है, इसका नाम है वक्रासन, दाहिना पैर मोड़ेंगे, धरती माता, माता पिता, गुरुजनों को, गुरु सत्ता को, पूरे अस्तित्व प्रणाम करना, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। बाएं पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़ लिया, सुबह उठ के धरती माता को, माता पिता को, गुरु सत्ता को प्रणाम करना। देखो दाहिना पैर मुड़ा हुआ है ना, अब बाएं हाथ भी से डाल दिया, दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, बाएं हाथ बीच से डाल दिया, पैर के और ऐसे छाती के बीच से, अब इससे क्रॉस करके बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस किया और बाएं पैर को पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे घूम गए। ये कितना अच्छा है वक्रासन, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, ये बहुत अच्छा, ये सरल आसन है, 12 आसन सबके लिए। योग का मुख्य पैकेज, बेसिक योग प्रैक्टिस जो सबको रोज करनी वो करवा रहे हैं, और इतने से योग का पूरा लाभ मिल जाएगा आपको। कठिन आसन करना सबके लिए कतई जरूरी नहीं है। घूम गए ना, थोड़ी देर रुको ऐसे, ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। छोड़ दीजिए, फिर दूसरी तरफ से ठीक से समझो, जितना बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो, जैसे कहता हूं वैसे ही करो। बाएं पैर मुड़ा हुआ, लेफ्ट लेग को, खब्बे पैर पग को, बाएं पैर को मोड़ लिया, अब दाहिना हाथ बीच से डालो, अब दाहिने हाथ से बाएं पैर को क्रॉस करके और दाहिने पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लो, देखो ऐसे कितना अच्छा आ गया, कितना आसान है ऐसे क्रॉस करके, और नहीं पकड़ सको तो कोई ना ऐसे ऐसे दबा के तो रखो, ऐसे ऐसे दबा के रखो, और पकड़ सको तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे घूम जाओ। ठीक हो गया काम, पैर सीधे,
चार आसन बैठ के करवा रहे हैं, पेट के लिए डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे। बाएं पैर मोड़ लीजिए सभी, दाहिना पैर उसके ऊपर रख लीजिए। सबको करने हैं ये, सबको कराने हैं। अब बाएं पैर को मोड़ लिया, दाहिना पैर उसके ऊपर रख दिया, ऐसे बैठ जाओ, कितना आसान है। इसी से सब रोग खत्म हो जाएंगे, ये मेरा अपना अनुभव है हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर। व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, स्मृतियां, सारे ग्रंथ, वेद, सब शास्त्र पढ़कर के मैं आपको योग का सार बता रहा हूं। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, जो दाहिना पैर ऊपर है ना वही हाथ ऊपर ले लो, बाएं हाथ पीछे से ले लो और पीछे ऐसे पकड़ लो। करो सब, कर पूरा नहीं हो रहा है तो कोशिश तो करो ना, करो सब ऐसे। अब दूसरी तरफ से कीजिए, दाहिने पैर को मोड़ लिया, बाएं पैर ऊपर से रख दिया। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, ऐसे कर दिया। थोड़ी देर रुको, इसी स्थिति में एक आसन को करीब करीब आधा मिनट करना होता है, कम से कम आधा से एक मिनट। धीरे धीरे बढ़ा करके आसन का समय फिर 5 मिनट तक कर सकते हैं। सब भाई बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करो। छोड़ दीजिए, कुछ तो ऐसे भोले भंडारी है, बस बाबा को देखते रहते हैं। बाबा बस आप करो और हमारा भी उद्धार कर दो बाबा। ऐसे ऐसे पाखंडी गुरु भी तो आ गए ना, बस चेलों को कुछ नहीं करना, गुरु उद्धार कर देंगे। गुरु मार्ग बताते हैं, रास्ता तो खुद तय करना पड़ता है, चलना आपको पड़ेगा। मैं कपाल भाती करूंगा तो मुझे फायदा होगा, आपको नहीं। सीधी सी बात है, अब मैं गुड़ खाऊं और आपका मुंह किस कैसे मीठा होगा, चलो अभी नहीं समझ। मैं साइनाइड खाऊंगा तो तू कैसे मरेगा, मैं मरूंगा ना। जो करेगा वो भरेगा। तो भाई गुरु का काम है रास्ता बताना। चलो उल्टे लेट जाओ, पाखंडी गुरुओं से भी सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो बहुत से यहां भी जड़ में पड़े हैं। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। भाइयों बहनों, मेरे से बोले बाबा जी, बाबा बनना अच्छा कि गृहस्थ रहना अच्छा? मैंने कहा दोनों ही खराब और दोनों ही अच्छे। जो बनो वो अच्छे बनो, सच्चे बनो। साधु सन्यासी योगी बनो तो ऐसे महर्षि दयानंद जैसे चरित्र महान होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए चरित्र। गृहस्थ बनो तो राम जैसे, कृष्ण जैसे गृहस्थी थे, लेकिन आज तक हम उनको पूजते हैं, आपकी तरह ही उन्हें शादी विवाह किया, बच्चे भी पैदा किए, सारा गृहस्थ धर्म निभाया। बहुत से ऋषि मुनि गृहस्थी थे, बहुत से हमारी तरह सन्यासी भी थे। ये तो भगवान का विधान है और अपने अपने संस्कार है, अनादिकाल का कर्माशय संस्कार वासना हमारे साथ जुड़े। जो बने हो अच्छे बनो, सच्चे बनो। और सबसे पहले योगी बनो। हम किसकी संतान हैं? ऋषियों की, योगियों की। योगियों की संतान कैसे हो गई? भोगी, रोगी। रोज योग करना, ज्यादा बीमारी होना,
तो आयुर्वेद का सहारा ले लेना। ज्यादा ब्लड प्रेशर हो तो अपने केंद्र है पूरे देश भर में करीब 5000 से ज्यादा, मुक्तावटी ले लेना वहां से। ज्यादा भी पियो, लौकी का जूस पीना, योगाभ्यास करना। ज्यादा शुगर है तो मधुनाशिनी ले लेना, गिलोय घनवटी ले लेना, गिलोय का काढ़ा पी लो, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेना। एक पुष्टाहार दलिया अपने घर में बना के खा लो, 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल। ये दलिया बहुत अच्छा होता है। ज्यादा कोलेस्ट्रोल, हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, हार्ट की बीमारी, इंजेक्शन फ्रिक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, पल्पिटेशन बहुत होता है, एंजाइना पेन होता है, घबराहट बहुत होती है, एंजाइटी बहुत है, तो हृदयामृत ले लेना। कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो कमजोरी बहुत है, टॉनिक के तौर पर ना उल्टी पुल्टी दवाई बहुत खाने लगे आजकल लोग। कमजोरी के लिए सबसे बढ़िया किसी भी तरह की कमजोरी, अब अलग अलग तरह की कमजोरी, अब भुजंगासन करेंगे मकरासन के बाद। कमर की कमजोरी, सब तरह की कमजोरी के लिए अश्वगंधा, अश्वगंधा के पत्ते वजन घटाते हैं, अश्वगंधा का जो रूट है ना उसका पाउडर भी होता है और उसका घन सत्व, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने कैप्सूल भी बनाया, अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वशिला कैप्सूल। ये हड्डियों की कमजोरी के लिए, मांसपेशियों की कमजोरी के लिए, पूरे शरीर की कमजोरी के लिए, किसी भी तरह की कमजोरी है, अश्वशिला कैप्सूल ले लो, या शिलाजीत ले लो या अश्वगंधा ले लो, दोनों ले लो तो अश्वशिला हो गया। चंद्रप्रभावटी ले लो, छोटी जमीन पर श्वास अंदर सामने से उठा लो, अश्वशिला कैप्सूल एक एक खा लो, चंद्रप्रभावटी एक एक गोली खा लो। और ज्यादा ही कमर में दर्द है तो त्रयोदशांग गुग्गुल ले लो। गुग्गुल जो है प्रकृति को देख करके दिए जाते हैं, वाटर टेंशन बॉडी में बहुत ज्यादा है, पानी की मात्रा, पेशाब में जलन हो जाती है, थोड़ी गर्म दवाई खाते ही, तो फिर गोक्षुरादि गुग्गुल लेना, उनको इस समस्या नहीं है तो त्रयोदशांग गुग्गुल। कमर दर्द के साथ जोड़ों में भी दर्द है तो सिंहनाद गुग्गुल या योगराज गुग्गुल। तो तीन औषधियां, अश्वशिला, चंद्रप्रभा और कोई भी एक गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल या योगराज गुग्गुल। हड्डियां बहुत ही कमजोर हैं तो लाक्षादि गुग्गुल। ये अपने चिकित्सालयों में वैद्य बैठे होते हैं ना वो आपको बता देते हैं, ऐसे दो तीन बार इसको करना। ये भुजंगासन का पहला अभ्यास है, दूसरा अभ्यास है दोनों हथौड़ी के नीचे। कमर में कितना ही भयंकर दर्द हो, जब ज्यादा समस्या हो जाती है ना तो योग के साथ आयुर्वेद से मदद ले सकते हैं। महर्षि चरक, महर्षि शश्वत, धन्वंतरी आदि ऋषिमुनियों ने हमें योग के साथ आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया, और महर्षि पतंजलि तो ऐसे ही है, योगीन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्येन योपाकरो तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथों के थैले नीचे की ओर, दोनों हाथों के थैले नीचे की ओर, थोड़ी उनके ऊपर ऐसे रख दिया और सामने से उठाया, ऊपर उठा करके थोड़ी देर रुकना, श्वास अंदर, ऊपर उठो, उठो उठो उठो, सब जितना बन पाता उतना करो, आलसी मत रहो, बहुत जरूरी है। जिसने ये आसन नहीं किया ना उसकी कमर में कभी भी गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ी बहुत कमर में दिक्कत तो सभी को रहती है, तो बहुत जरूरी है सबके लिए। कमर में ज्यादा दर्द हो तो मैंने कहा थोड़ा आयुर्वेद की मदद ले ले। अब भुजंगासन के ऐसे तो चार अभ्यास हैं, ये दो अभ्यास आपको बताए, इतना भी कर लिया तो पर्याप्त है। दोनों हाथ छात थोड़ी के नीचे थे पहले, अब जंघाओं के नीचे रख दो, अब एक एक पैर को पीछे से उठाओ नीचे लेके आओ। सभी रोगों के लिए योग के साथ आप आयुर्वेद से मदद ले सकते हैं। जब बॉडी रेस्पोंड नहीं करती, बहुत वीक हो जाती है, शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां प्रकृति से बनी हुई होती है, प्रकृति माँ की तरह है, प्रकृति से हमारी सारी विकृतियां दूर होंगी, केमिकल्स की जहरीली दुनिया से आपको बाहर आना है, प्रकृति को अपनाना है, प्रकृति माँ है। और साइंटिफिकली देखो तो हमारा ये पिंड इस ब्रह्मांड के ही तो मूल पांच तत्वों से बना है, और प्रकृति में हमारी सारी विकृतियों का समाधान परमात्मा ने दिया है। एक एक पैर को पीछे से उठाया, अब दोनों हाथ पीठ के ऊपर दोनों तरफ से उठा देते हैं,
तो ये कमर के लिए बहुत जरूरी आसन है। आराम से उठाए, नीचे आ जाए, दोनों तरफ से उठा देते हैं ऐसे। अब सीधे लेट जाते हैं। तो मकरासन याद रखना, ऐसे तो 12 अभ्यास बताते हैं हम कमर के लिए, लेकिन 4 भी ठीक से कर लो ना। मकरासन, फिर भुजंगासन, सलभासन, और अब बता रहे हैं आपको मरकटासन। 4 ही आसन ठीक से कर लेंगे तो कमर दर्द की सब प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोनों घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ की हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर। योग चिकित्सा विज्ञान है, घुटने पंजे पास में। योग जीवन विज्ञान है, योग अध्यात्म विद्या है, जीवन विद्या है। ये अपरा विद्या है, ये परा विद्या है, योग में ही सारी विद्याएं हैं। घुटने पंजे पास में सबको योग करना। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो पिमतोधिकाः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। मैं कह रहा था हम ऋषियों की संतान है, हम योगियों की संतान, हमें योगी बनना है। हम भगवान की संतान है, अपने जीवन में भगवत्ता को, दिव्यता को लाना है, अपने मूल स्वभाव को, अपनी मूल प्रकृति को, मूल चेतना को, मूल स्वरूप को भूलना नहीं। हम मूलतः ईश्वर की संतान है, ऋषियों की संतान है। तो हमारा जीवन कैसा हो? भगवान जैसा हो, ऋषियों जैसा हो, यही हमारी मूल पहचान है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। घुटने पंजे पास में मरकटासन, कमर के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी आपको कराया मरकटासन, बहुत जरूरी आसन कमर के लिए, पहला अभ्यास था इसका। अब इसका दूसरा अभ्यास होगा, घुटनों में पंजों में फासला, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, देखो ऐसे, और गर्दन ऐसे, ये जबरदस्त। मैं कह रहा था योग मात्र व्यायाम नहीं, व्यायाम भी योग है, आसन भी योग है, प्राणायाम भी योग है, ध्यान भी योग है, पूरा जीवन ही योग है। योग अध्यात्म विद्या है, योग एक चिकित्सा की विद्या है, ये जीवन की विद्या है, या परा विद्या, परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है। योग को समग्रता से समझना है। घुटनों में पंजों में फासला, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। और मैं बात योग के पूरे दर्शन की कर रहा था, हम एक तरह के योग की बात नहीं करते, हिंदी में बोलते हैं उसको समग्र योग। क्या है बोलिए? समग्र योग, इंटीग्रेटेड योग, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड योग, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ करता, ऐसे सबको करना। योग की संपूर्ण विधाओं को यथा योग्य विवेक पूर्ण महत्व देना है। जितना जिसका महत्व है, जितनी जिसकी महिमा है, उतना योग की अलग अलग विधाओं को आपको महत्व देना है, प्रायोरिटी देनी है उसको। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिकता। दोनों पैर सीधे, अब दोनों हाथ कंधों के बराबर ही फैले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिने पैर को उठा दीजिए, एक पैर 90 डिग्री पर उठे सभी का। अब दाहिने पैर को बाईं तरफ टिका दीजिए जमीन पर, जहां टिका सके, जहां टिका सके वहां टिका दो, हो सके तो अपने पैर को हाथ के पास ले आइए, ऐसे, जबरदस्त है ये, ये मरकटासन। फिर पैर को ऊपर उठा देते हैं और नीचे ले आते हैं, फिर बाएं पैर को उठा दिया और दाहिनी तरफ लेकर के आइए, ऐसे, ये। गर्दन विपरीत दिशा में, फिर पैर को ऊपर उठा दिया,
फिर नीचे लेके आ गए। फिर दाहिने पैर को उठाएंगे सभी, एक दाहिने पैर को उठाइए, दो विपरीत दिशा में लेके आइए, जहां तक ले जा सके आसानी से, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना। हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं है। ह का मतलब सूर्य, ठ का मतलब चंद्र, हकार कीर्तिता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमा सूर्य होगा हठ योग निगद्यते। वापस आराम आराम से, जैसे पैर को ऊपर उठाया अब बाएं पैर को उठाइए, दाहिनी तरफ लेके आइए, जितना ले जा सकते हैं, जितना जिसका सामर्थ्य उतना अपोजिट साइड में ले जाना। गर्दन विपरीत दिशा में, जिधर पैर उसे विपरीत दिशा में गर्दन, ठीक से समझ करके सब भाई बहन करना। फिर पैर को ऊपर उठाइए 90 डिग्री पर, फिर नीचे। चलो ये अभ्यास हो गए कमर के लिए। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, बरकटासन, चार आसन बिल्कुल नहीं भूलना। और कमर के लिए जो उपाय बताए उनको अपना लेना, थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेना, पीड़ांतक ट्यूब, पीड़ांतक ऑइंटमेंट या पीड़ांतक तेल थोड़ा लगा लेना। आगे ज्यादा मत झुकना, वजन ज्यादा नहीं उठाना, सोने में ध्यान रखना, कमर सीधी रहे, जब भी सोए तो सीधे सोए, या करवट से भी सोए तो पैर उल्टे पुलटे नहीं रखें। सोने बैठने उठने खाने पीने जीने का जो तरीका बताते हैं वैसे ही करना। अब पवन मुक्तासन, पहले एक एक पैर से दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, घुटने को दबाइए, छाती से लगाइए, कमर में दर्द नहीं है तो सिर नहीं उठाइए, कमर में दर्द नहीं है तो सिर भी उठा लीजिए, नासिका लगा दीजिए घुटने से। देखो भाई बहनों, ये है पवन मुक्तासन। एक एक पैर से किया, फिर दोनों से कर लो, घुटनों को दबा देते हैं, छाती से लगा देते हैं, पेट में गैस होगी तो अभी निकल जाएगी, किसी की चुपचाप निकलेगी तो किसी की साउंड के साथ फायरिंग होगी। पवन मुक्तासन करते करते प्रैक्टिकल हो जाता है, जबरदस्त है। गैस के लिए, पेट के लिए, पैर सीधे। अब वेट के लिए, वेट के लिए आपको 13 अभ्यास बताते हैं हम। एक एक पैर को प्रोफाइल नीचे ले जाइए, वो 13 अभ्यास आ चुके हैं, खड़े होके 5 अभ्यास, बैठ के 5 अभ्यास, उल्टे लेट करके 2 अभ्यास, बैठ के 2 अभ्यास, ये सीधे लेट करके 3 अभ्यास और मरकट आसन। 13 अभ्यास आपको मोटापा के लिए बताए थे, सबको करने हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर के आइए, सब कीजिए। पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेकर के आएंगे, बहुत जबरदस्त है, सब करेंगे ऐसे, लंबा सांस ले, लंबा छोड़े, बहुत जबरदस्त है, सब करो, आसान है, सब कर सकते हैं ना इसको। तो ठाई पटक सिप्स के लिए कपाल भाति प्राणायाम भी करना। और ये 13 अभ्यास कल बताए थे, भूलना मत, पूरा पैकेज दिया था, अब अलग अलग पैकेज में बताया इनको, कुछ योगिक जोगिंग के हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम के हैं, कुछ कमर के अभ्यास उसमें सम्मिलित किए जिससे कमर भी अच्छी रहे और फ्रंट साइड का जो एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाए। बड़ा शून्य बनाइए 5-5 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाते हैं पैर से। ये 12 अभ्यास भूलेंगे नहीं, रोज ही अभ्यास करने, बड़ा शून्य बनाना, गोल गोल घुमाना, बड़ा शून्य बनाते, पूरा गोल घुमाते, सब करो, बड़ा शून्य बनाओ, कोई चुपचाप लेटा नहीं रहेगा। अब बाएं पैर से कीजिए, बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाइए, बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाते हैं, पूरी गोलाई में पैर को घुमाते हैं ना, ऐसे बड़ा शून्य बनाना। थाई बटक सिप्स के लिए बहुत जरूरी है, यही तो ज्यादा वजन बढ़ता है, एक तो पेट मोटा हो जाता है, थाई बटक सिप्स भारी हो जाते हैं, तो कुल्लों पर, जंघाओं पर वजन बढ़ जाता है ना, पेट पीड़ू भाग पर। लंबा श्वास और बड़ा शून्य बनाया ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, रोज करना है सबको। तो ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो 13 के 13 अभ्यास कर लेना, ज्यादा बार मैं कहता हूं 25-25, 50-50, 100-100 बार कर लो। लास्ट अब द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, एक एक पैर से कर सकते हैं। कमर में दर्द, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, हर्निया कमजोरी ज्यादा है तो एक एक पैर से ही करना, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दोनों तरफ से करना है। और यदि कमर में दर्द नहीं है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम नहीं है, कमजोरी नहीं है, तो दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। ध्यान से करना, एकाग्रता से करना, विधि पूर्वक करना।
लंबा लंबा सांस भरना छोड़ना, ऐसे सब करेंगे सब करेंगे, जिसका जितना सामर्थ्य उतना करेंगे। आज आपको ये व्यायाम का और आसनों का पूरा पैकेज दे दिया है, ऐसे करना। बच्चों और जवानों के लिए हमने कल सुबह भी बता दिया था, आज शाम को भी बताएंगे। सब माता पिता बच्चों के साथ आएंगे। आप एक आदर्श माता पिता कैसे बने ये भी आपको बताएंगे। माताओं की कुछ खास समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी विशेष सत्र होगा आज, और बच्चों के लिए खास। आपके बच्चे योगी बने, निरोगी बने, बलवान बने, चरित्रवान बने, बुद्धिमान बने, संस्कारवान बने, महान बने, इसके लिए योग ही एकमात्र रास्ता है। रिलैक्स, सब समासन में अब लेट जाएंगे। देखो अब सबको पैर थोड़े खोल करके, हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, रिलैक्स होना है सबको, हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। पैरों में थोड़ा फासला, आंखें बंद, मन सहज, पूरे शरीर को रिलैक्स करना। जितने आसन जरूरी हैं उतना ही ये शवासन भी जरूरी है। जीवन के चार आधार हैं, आहार अर्थात हमारा खान पान, निद्रा अर्थात हमारा सोना, हमारा विश्राम, श्रम अर्थात पुरुषार्थ, फिजिकल एक्टिविटी से लेकर के अपने अपने कर्तव्य को पूरी मेहनत से निभाना, हार्ड वर्क अत्यंत पुरुषार्थ। आहार निद्रा अर्थात श्रम, विश्राम, और आहार निद्रा श्रम के बाद विश्राम। आहार निद्रा विश्राम श्रम और संयम। आहार निद्रा संयम और श्रम ये आपके आरोग्य के लिए जरूरी है। साक्षी हो के देह को शिथिल छोड़ देना, ढीला छोड़ देना, श्वासों पर ध्यान देना, लंबे गहरे श्वास लेना। श्वासों पर जैसे ही ध्यान देते हैं ऐसे ही मन शांत हो जाता है। ये सत्य है, ये शरीर यहीं से पाया था, यही रह जाएगा। ये माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा ये हम हैं, ये शरीर से अलग है। योग का अर्थ है अपने शरीर इंद्रियों और मन से पृथक, शुद्ध बुद्ध, आनंद में, ज्योतिर्मय, तेजो में, शांति में, दिव्य आत्मा के स्वरूप को पहचानना और उस अपने स्वरूप में जीना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदादृष्ट स्वरूप अवस्था, अपने स्वरूप में जीना, शरीर इंद्रिय और मन को संसार के समस्त साधनों को साधन के रूप में मानना। साध्य तो हमारा आत्मस्वरूप ही है, अपने स्वरूप में, अपनी मूल प्रकृति में, अपनी मूल चेतना में, अपनी निजता में रहना, अपनी निजता में रहना, हर समय अपने स्वरूप में, अपनी मूल चेतना में, दिव्य चेतना में, उच्च चेतना में, भागवत चेतना में, ब्राह्मी चेतना में रहना, ये योग है। ऐसे श्रम के बाद विश्राम करना, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आहार निद्रा संयम श्रम, आहार निद्रा संयम श्रम, ये चार जीवन के मूल आधार हैं। श्रम के बाद विश्राम तो करना ही पड़ेगा, वहीं करोट लेके बैठ जाए। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति याः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अंभसा।
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समरे साथ बोलेंगे, योगस्थ कुरु कर्माणि। गीता का श्लोक सबको बोलना है। ये कैसा जीवन जीना चाहिए? सुबह सुबह तो योग करना है, दिन भर योगस्थ रह करके, आत्मस्थ रह करके, अपने स्वरूप में रह करके हमें जीवन को जीना है, तो फिर जीवन में कोई दुख होगा ही नहीं। जीवन में सब प्रकार का सुख, सब प्रकार की समृद्धि रहेगी। भाई बहनों, मेरे साथ में मिलकर के आप सब बोलेंगे, कैसा जीवन हो हमारा? हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हर समय समता में रहना, संतोष में रहना। भाई बहनों, आपको अभी हमने योग का जो क्रियात्मक स्वरूप है उस सूक्ष्म में योग कर ले पाया, ओम नाम से प्रीत लगा के, ओम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार लगा ले, मन में ओम बसा ले, जन्म सफल हो गारे बंदे, जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले, ओम नाम के मोती को, ओम नाम के मोती को बताले, जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में बसाले, मन में बसाले, मन में बसाले, मन में बसा। भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो ऐसे 5 मिनट रोज भस्त्रिका करना, फिर कपालभाति हर एक सांस के साथ ओम ओम का जाप करो, तुम्हारा तन मन जीवन समर जाएगा। ओम ओम का जाप, अपनी वाणी में अमृत घोल। तो प्यारे ओम ओम बोल, ओम ओम का अंदर अंदर से जब चलता रहे, होठों से हम ये जो ओंकार की ध्वनि निकालते हैं ना, आकाश वायु प्रभव शरीरात समुच्चरण वक्त्र मुपैनाद स्थानांतरेषु प्रविवज्यमानो वर्णात्मागच्छति यः शब्द। ये शाब्दिक जप है, इसको वाचिक जप कहते हैं। ओम ऐसे बोला, अब ओष्ठ हिल रहे हैं और आवाज बाहर नहीं आ रही है, इसको बोलते हैं उपांशु जप। और मन ही मन जप चल रहा है, इसको बोलते हैं मानसिक जप। और अब जप करने की जरूरत ही नहीं रह गई है, पूरा जीवन ब्रह्ममय हो गया है, भगवान की भक्ति में खो गए पूरे, इसको बोलते हैं अजपा जप। कपाल भाती ऐसे भाव से करो रोज, और फिर देखो अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल, अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल।
प्यारे ओम ओम बो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। मैंने पहले ही निर्देश दिया हुआ है 40-60 स्ट्रोक से लगाना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी है, वो जो स्वस्थ है वो फास्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे। निराकार निर्गुण अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशी। निराकार निर्गुण अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशी। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंतर के पट खोलो प्यारे ओम ओम ओ। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल प्यारे ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल। दुनिया में न्यारा ओम नाम भव सागर तारा। ओम नाम दुनिया में न्यारा ओम नाम भव सागर तारा। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल। दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल प्यारे। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे ओम ओम बोल। ओम ही भरता ओम बिना ये जीवन कैसा। ओम ही करता ओम ही भरता ओम बिना ये जीवन कैसा। प्रभु का नाम सुमिर लेना दा, प्रभु का नाम सुमिर लेना दा। भटक न दर दर रोल प्यारे ओम ओम। आइए अभी गाइए। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे ओम ओम बोल। ओ प्यारे ओम ओम बोल। ओ प्यारे ओम ओम बोल। ओम ओम का जाप करते हुए आपको प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम भी हो जाएगा और ध्यान भी हो जाएगा। देखो ऐसे आराम आराम से करना, जिनका शरीर कमजोर है, जो जवान है वो तेजी से कर सकते हैं। इसे दो काम एक साथ, ओम का ध्यान और साथ में प्राणायाम, तो दोनों काम एक साथ हो गए ना। प्राणायाम भी होगा, ध्यान भी होगा। बच्चे ये करेंगे तो उनके शरीर का पूरा विकास होगा, वो बलवान बनेंगे।
उनका मन संयमी होगा, बुद्धि विवेकवती होगी, वे एक तरफ बलवान बनेंगे, दूसरी तरफ प्रज्ञावान बनेंगे, वो चरित्रवान बनेंगे। आप अपने बच्चों को बलवान बनाना चाहते हैं, प्रज्ञावान बनाना चाहते हैं, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, तो योग करो। और आज शाम को बच्चों की योग की क्लास होगी। मैंने 9 साल की उम्र में बचपन में योग करना शुरू किया था और आज मैं जो कुछ हूं, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक संस्कृति का, जो काम भगवान ने करवाया, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन चलाया, और जो लोग इस देश पर राज करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान बैठे थे, जो इस देश को लूटना, इस देश में क्या क्या नहीं हुआ। हमने परिवारवाद और वंशवाद की जड़ों को यदि उखाड़ा और पूरी दुनिया में योग का झंडा गाड़ा, तो योग ही उसकी शक्ति है, योग की शक्ति। ये सारी शक्ति का केंद्र योग है। आप योग करेंगे ना, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। अब भाई थारी वाली भाषा में यदि कहूं, अच्छा भी उदाहरण दे दूं और बुरा भी दे दूं। अच्छा उदाहरण तो यह है भाई, आप लोग कोई भी अंग्रेजी दवाई खाते हो, बुखार की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाई खा लो, बाकी दवाई काम अपने आप कर देगी। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो गुड़ खा लो, मुंह मीठा अपने आप कर देगा, करेला खा लो कड़वा अपने आप कर देगा। अरे भाई ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो साइनाइड जहर खा लो, वो काम तो अपने आप ही कर देगा, बता भी नहीं पाएगा कि क्या खाया था। जैसे बुरी चीज अपना प्रभाव डालती है, ऐसे ही ये योग अपना प्रभाव डालता है। योग करो, बाकी काम तो योग अपने आप कर देगा, बीमारियां मिटा देगा, बुराइयां मिटा देगा, जीवन को शुभ से भर देगा, आपके बच्चों को मैंने कहा बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान, महान बना देगा। योग करो तो सही, ये बात बड़ी विद्या है, योग विद्या। इसलिए आज सब बच्चों को लेकर के आएंगे, सब बच्चों को योग सिखाएंगे, और भगवान ने हमें वो सामर्थ्य दिया है कि एक बार हमने बच्चों को जो काउंसलिंग कर दी ना, उनकी उनके भीतर जो घुसा दिया ना, वो जिंदगी भर नहीं निकलेगा। एक बार आप बच्चों को मेरे पास में ले आइए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके बच्चे जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ सकते, उनके भीतर वो शक्ति भर देंगे, योग का वो सूत्र दे देंगे उनको। अब बच्चे ना, उनमें ग्राह्यता बहुत होती, सीखते बहुत ज्यादा है। तो आज सब माता पिता अपने बच्चों को लेकर के आएंगे, माताएं तो बच्चों के साथ जरूर आएंगी, हो सके तो बड़े भी आ जाना, लेकिन माताएं बहनें जरूर आएंगी, फिर माताओं बहनों को भी खास कुछ और भी बताएंगे। 5 दिन में आपको तो बहुत कुछ सिखाना है, बच्चों को तो एक ही दिन में बहुत कुछ सिखा देंगे। ये बच्चों को योग सिखाने का काम आज शाम को 4 बजे योग की क्लास होगी, तो कोशिश करना 4:45 बजे तक सब बच्चे यहां पर पहुंच जाएं। पहले भी हमने 50,000 एक एक लाख बच्चों के प्रोग्राम रखे हैं, और अब तो मैं देखता हूं जिन बच्चों को हमने गोदी में खिलाया था वो बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, अब 2 पीढ़ियां हमने योगी बना दी। पहले जिन बच्चों को योग सिखाया अब उनके भी बच्चे हो गए, वो पैदा होते योग कर रहे हैं। क्यों? माँ बाप के संस्कार योग के बन गए। सीधे बैठो, कुछ तो ऐसे बैठे बैठे कथासी सुन रहे हैं कपालभाति, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। योग के संस्कार बचपन में ही डालने, ये बचपन फाउंडेशन है। हमारे बच्चों की नींव मजबूत नहीं होगी तो भवन नहीं खड़ा होगा। आज स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है तो योग की नींव पड़ी हुई थी जीवन में, और उसी के ऊपर ये जीवन रूपी भवन खड़ा हुआ। अनपढ़ मां बाप के घर में, सामान्य से किसान परिवार में पैदा हुए, धूल भरी गलियों में खेले, कोई साधन नहीं था हमारे पास में, ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ियां, ये हेलीकॉप्टर, ये जहाज जिनमें आज हम पूरी दुनिया में उड़ते फिरते हैं, हमको तो जहाज का पता ही नहीं था, ये कहां उड़ा, कहां टिका, कहां से टेक ऑफ होता है, कहां लैंड होता है। हां, गांव में जरूर ऊपर देखा करते थे, शाम के समय आवाज होती थी तो गांव वाले कहते थे भाई चील गाड़ी आ गई, चील गाड़ी कहा करते थे हम इसको,
हमको पता ही नहीं था कहां उड़ती है कहां जाती है, कौन इसमें बैठते, हम लोग सोचते वो कोई फरिश्ते बैठते होंगे बहुत बड़े आदमी, हमको नहीं पता था कि भाई इसमें हम भी बैठेंगे। फिर ये गाड़ी गुड़ी का भी नहीं पता रहा, हमारे पास तो गाड़ी तो बात छोड़ो, मोटरसाइकिल छोड़ो, साइकिल भी नहीं थी। जिस गांव में हम पैदा हुए एक दो साइकिल थी और उसमें कोई चलता ना तो यूं हैरत से देखा करते थे, बोले ये दो पैर दो टायर पर चल रही है, अब पड़ेगी तब पड़ेगी। हम तो ऐसे ऐसे गांव में पैदा हुए और वहां से आज यहां तक की यात्रा की है, तो इसके मूल में योग है। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, आप अपने बच्चों को योगी बना दीजिए, बाद में जो कुछ वो बनेंगे वो सर्वश्रेष्ठ बनेंगे, ये गारंटी की बात है, जो बनेंगे सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। उनका शरीर एकदम ऐसा चले तो लोग कहेंगे भाई सेहत हो तो ऐसी, जीवन हो तो ऐसा, चरित्र हो तो ऐसा, ऐसा होना चाहिए जीवन। ये करना है, कपालभाति हो गया ऐसे, बटरफ्लाई कर लो, चलो थोड़ा पैरों को तलमों से मिला लो, थोड़ी देर में तुम थक जाते हो ना, लंबा बैठने की आदत भी तो नहीं है, बचपन में अच्छे संस्कार मिले, इसलिए योग से बढ़िया और कोई विद्या नहीं। मैंने जीवन में भाई गरीब से लेकर के, गरीबी से लेकर के, अमीर से लेकर के अमीरी तक सारी चीजों को देखा है। पहले हम गांव में थे ना तो कोई थोड़ा सा ज्यादा तीन पांच करे ना तो बोलो हाँ ये कलेक्टर बनेगा, अब कलेक्टर से लेकर के एक्टर, एक्ट्रेस से लेकर के कोई और ज्यादा थोड़ा सा पैसे पांचे हो जाए तो बोलो हाँ भाई ये टाटा बिरला बनेगा। हमें थोड़ी पता था टाटा बिरला हमारे सामने बैठ के योग करेंगे। हम तो भाई बहुत भोले भाड़े गांव के आदमी थे भाई, और आज भी वैसे ही है, बस बदला है तो कह लो इतना बदला है कि मैं चाहता हूं जो योग मैंने सीखा वो मैं हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सब लोगों को सिखाऊं और सबके जीवन में आरोग्य लाऊं। सच में योग से आरोग्य तो मिलता ही है, ये तो एक पक्ष है, इससे इससे ना पूरा जीवन ही बदल जाता है। अरे बहुत जबरदस्त विद्या है और इसके द्वारा हमने परिणाम देखा भाई, पूरे देश में पूरी दुनिया में देखा। पहले हमने छोटे छोटे शिविर किए, पहले मेरे पास में दो आदमी योग सीखने आते थे, फिर 100 आए, फिर 200 आए, फिर 2000 आए, फिर 10000 आए। पहला शिविर 10000 लोगों का हमने दिल्ली में रखा था 70 साल स्टेडियम में, फिर तो दिल्ली से लेकर के मुंबई से लेकर के कलकत्ता में हमारे जगदीश जी बैठे, कलकत्ता में बड़े बड़े शिविर लगाए 50-50 हजार लोगों के। लोग बोलते थे वहां कम्युनिस्ट रहते हैं कोई नहीं आएगा, सारे कम्युनिस्ट भी योग करने लग गए। मुझे गौरव ये कहते हुए, आज कोई कैसी भी मान्यता रखता हो योग सब करने लग गए, ये बहुत बड़ी बात। कोई दक्षिणपंथी हो, कोई वामपंथी हो, कोई तेरापंथी हो, कोई मेरापंथी हो, बहुत तरह के पंथ हैं, लेकिन सब योग कर रहे हैं, ये बढ़िया बात है। देखो ये कपाल भाति, ये अनुलोम विलोम, ये कपाल भाती सबको बहाने लग गई। कितना जोरदार काम है ना। और शाम को तो बच्चे आएंगे ही, सुबह सुबह मैं जो बात पूछता हूं सबसे पहले बच्चे उत्तर देते हैं। मेरे बाईं तरफ भी कुछ बैठे हुए, कुछ दाईं तरफ बैठे हुए, जो बच्चे हैं 4 बजे उठकर के आ रहे, मां बाप को उठा रहे, चलो उठो बाबा जी के पास चलना है, योग करना है। जो बच्चे आए हुए हैं अभी सुबह सुबह, एक बार जरा खड़े हो ना बच्चे, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, 15 साल तक के बच्चे, खड़े होना जरा एक बार। इतने बच्चे, लोग कहते हैं उठते नहीं थे बच्चे, ये बच्चे सुबह उठने लगे, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। देखो लोग कहते हैं उठते नहीं बच्चे, ये सामने से लेकर के बाएं से लेकर के दाएं से लेकर के बेटियों से लेकर के सब बच्चे आ रहे हैं सुबह। बैठ जाओ बेटा, सो सुबह सुबह योग रोज करना बेटा, एक तो हेल्थ तुम्हारी इतनी अच्छी रहेगी, दूसरा कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, जो पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा, जैसे स्कैन होता है ना ऐसे हो जाता है योग करने वाले का दिमाग, जो पढ़ते वो याद हो जाता है, भूलते नहीं है। फिर जिसकी तंदुरुस्ती अच्छी, जिसका दिमाग अच्छा और जो मेहनत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता और है क्या। देखो बाल भाती, फिर देखो बाह्य प्राणायाम बहुत जबरदस्त है, बाहर छोड़ के बाहर रोको ना और पेट को थोड़ा सा अंदर खींचो,
कोशिश तो करो, देखो। इतना बन पाए करो, ये बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, तीन बंद लग गए इसमें। बहुत अच्छा है, देखो। सांस भरो, बाहर छोड़ो। लगा मुगल बंद, उडियान बंद और जालंधर बंद लगना चाहिए इसमें। ना लगे तो अग्निसार कर लेना। देखो ऐसे सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते, लीला छोड़ते, बढ़िया हो जाता है। देखो ये तो सब करने लग गए, अब तो बच्चे भी नोली क्रिया करने लग गए। आज शाम को देखना, बच्चों से करवाएंगे हम। बच्चे करने लग गए, सांस को बाहर छोड़ा, पेट को बीच से ढीला छोड़ देते हैं और गोल घुमाने लग जाते हैं। बच्चों का तो नियंत्रण बहुत अधिक होता है ना, तो देखो ये नोली क्रिया ऐसे होती है। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं। इसमें समय लगता है, कोई बात नहीं, आ जाएगी धीरे धीरे, क्या दिक्कत। भस्त्रिका कपाल भाती तो करना, फिर बाह्य प्राणायाम अग्निसार, फिर उज्जायी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत यही करवाएंगे आपसे। और करो ये तो कर लो कपाल भाती रोज। बच्चों को कम से कम 5 मिनट, बड़ों को 10 मिनट, रोगियों को 15 मिनट और असाध्य रोगियों को आधा घंटा। कैंसर ऐसा लिया, एमएस ऑटोमेटिक डिजीज हो गई है तो 1-1 घंटा। घुटने खराब हो गए थे, कल ही हमारे भाई डॉक्टर जयदीप जी जो अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, भाई राकेश जी, जयदीप जी, बहन सुमन जी से लेकर के हमारे सारे कार्यकर्ता जो इस अनुष्ठान में लगे ना, उन्होंने पहले खुद योग को अपने जीवन में अपनाया और उसका चमत्कार देखा। भाई राकेश जी के ससुर हमारी बेटी ज्योति के पिता, जयदीप जी के ससुर हमारी बेटी ज्योति के पिता, उनका नाम है देवकी नंदन भाटिया जी। ये उनकी पूरी रिपोर्ट है, एक्सरे, डॉक्टर ने बोल दिया था गोड्डे खराब हो गए थे मेरे सामने बैठे हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। ये पूरी रिपोर्ट है, बहुत सी माँ बहन बेटी यहाँ पर बैठी है, बहुत से भाई बैठे। गोड्डे बोले घिस गए, बोलते ग्रीस घिस गया, कार्टिलेज घिस गया, ये पूरे इसमें गैप आ गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था जो है अब तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। कितना वजन कम किया भाटिया जी? 17 किलो तो वजन कम किया, और अब दोबारा एक्सरे करवाए, वो गैप भी खत्म हो गया, घुटने रिपेयर हो गए। ये पूरे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बोलता है ना, रिपोर्ट बोलती है ना पूरी की पूरी। ये अब ये खुद भी योग करते हैं औरों को भी योग कराते हैं, योग की क्लास लगाने लग गए अब कपाल भाती से। अब तो ये कूद रहे हैं, बताओ, बस बस बस। तो जो योगिक जोगिंग में बार बार पोज करने में जिनको जवानों को भी दिक्कत आती है वो कूद रहे हैं, बाबा जी हमारे देवकी नंदन भाटिया जी। ये है कपाल भाती से, बैठो बाबा जी। ये तो रिपोर्ट बोलती है भाई। ऐसे कितने भाई बहन है जिन्होंने, कल मैंने पूछा था वजन घटाने वाली बात, तो हमारी बहन वर्मा ने, उसने भी अपना 17 किलो 18 किलो वजन कम कर लिया।
बाबा जी ने देखो 17 किलो वजन कम कर लिया, गोडे ठीक कर लिए। मैं कहता हूँ 99% ऑपरेशन को, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, लिवर किडनी का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन, गांठों का ऑपरेशन, जरूरत नहीं, कपाल भाती करो, सब ठीक हो जाता है, दवाइयां बंद हो जाती है। मैंने भाइयों को बहनों को पूछा था कल, कितनों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की, दवाइयां बंद हो गई, कितनों का हीमोग्लोबिन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, कैल्शियम की कमी दूर, हीमोग्लोबिन की कमी दूर। जी करो कपाल भाती, 5 मिनट सभी करेंगे। जिनका 4, 5, 6 हीमोग्लोबिन रहता था उनका 12, 13, 14 हीमोग्लोबिन हो गया कपाल भाती से। जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ा है वो हाथ खड़े करना, कुछ टेस्ट करवाते रहते ना तो पता लग जाता है, सबको तो नहीं पता लगता जो टेस्ट नहीं कराते। जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ा, कितना था बहन पहले, खड़े हो जाएंगे, कपाल भाती करते रहो। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला प्राणायाम है। स्वामी जी के चरणों में सादर नमन मेरा। पहले मेरा जो था हीमोग्लोबिन 10.5-11 के करीब रहता था, अब जब से मैं योग प्राणायाम करने लगी हूँ, मैंने अभी फिलहाल 1 महीना पहले ही टेस्ट करवाया है, 13 ग्राम आया है। तो दो पॉइंट तो बढ़ी गया, 11 रहता था, 12, 13, ये तो हो गया बढ़े। और किसी का तो 5-6 रहता, उनका भी मैंने देखा, 5-6 होने पर ना चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी आ जाती है। बैठो, हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, ये तो एक बात मैंने बताई, थोड़ा भी जिनका 5-6 तक आ गया ना उनका भी बढ़ जाता है, ये तो एक छोटी सी बात है, हीमोग्लोबिन का बढ़ना, कैल्शियम की कमी, विटामिन D3, विटामिन B12, ये डेफिशिएंसी ज्यादा आती है। बड़ी बीमारी भी SLEMS, ऑटोमेटिक डिजीज, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग मिट जाते हैं। और बड़ी बीमारी किसकी ठीक हुई है योग से, हम तो प्रमाण कहीं बाहर से नहीं लाते। क्या नाम बहन आपका? यही आपके बीच में जो भाई कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से प्राणायाम कर रहे हैं, और करते करते ओम जी स्वामी जी प्रणाम बहन। कमलेश नाम है जी मेरा। क्या फायदा हुआ जी? मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था स्वामी जी 2009 में। कमलेश नाम है? हाँ जी। ब्रेस्ट कैंसर, फिर वो ऑपरेशन हुआ जी, और कीमो रेडिएशन जो लगा उसका इतना साइड इफेक्ट हो गया कि मैं, मेरे डिप्रेशन और थायराइड भी बन गया था उसके बाद में। और दो उस टाइम से मैं योग कर रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। कब की बात है ये? 2009 की है स्वामी जी। आज 6 साल हो गए, 5-6 साल में तो कैंसर दोबारा रिकरेंस हो जाता है। वर्ल्ड के सभी डॉक्टर, मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक स्पष्ट मान्यता है कि 99% केसेज में कैंसर रिकरेंस होता है, कितने ऑपरेशन करा लो, कितने रेडिएशन ले लो, कितने क्यूमो ले लो। योग करने से काफी लोगों का तो केवल योग से कैंसर दूर हो जाता है, कुछ को फिर योग ऑपरेशन रेडिएशन करवा भी लिया तो बाद में प्राणायाम करने से दोबारा नहीं होता, रिकरेंस उसको बोलते, दोबारा होने को। और मैंने स्वामी जी योग के साथ ज्वारा, गिलोई और नीम और तुलसी भी लिया है, जो मैं बताया करता हूँ। ये नहीं पता मुझे उससे हुआ है या योग से हुआ है, मेरे बाल भी बिल्कुल काले हो गए हैं। ये लो बाल झड़ जाते हैं इसके तो दोबारा से, दोबारा आने के बाद बिल्कुल काले बाल है स्वामी जी मेरे। तो ये गेहूं का जवारा, गिलोई, तुलसी, नीम, ये भी पिया। और कैंसर में तो फिर जब रेडिएशन क्यूमादी लेते हैं ना तो बाल पूरे झड़ जाते हैं इसके, तो दोबारा से जो है बाल भी एकदम पूरे के पूरे काले आ गए। और खुश है बहन, तो एक बार ऐसे ही हौसला रखो, जिंदगी की जंग हारनी नहीं है, जीतना है, और योग से जीतोगे। तो कमलेश ने जिंदगी की जंग, कैंसर से तो आदमी नाम सुनते मर जाए, इतना भयंकर डर बैठा रखा है। तो जोरदार अभिनंदन है बहन कमलेश का, ऐसे हौसला रखना चाहिए सबको। जंग जीत ली किससे? योग से। ठीक है, ये रेडिएशन क्यूमो बहुत बढ़ गया तो अलग बात है, आयुर्वेद की दवाइयां, योग और ये प्रकृति की छोटी छोटी चीजें, गिलोय है, गेहूं का जवारा है, 5 चीजें हम बताते हैं, गिलोय, गेहूं का जवारा, एलोवेरा, तुलसी, नीम, ये पिया सुबह शाम, बड़ी बड़ी बीमारियां मिट जाती है। कपाल भाती हो गया, अग्निसार आपने कर ही लिया, बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, फिर ये उज्जाई कर लो, फिर अनुलोम विलोम कराएंगे, भ्रामरी उद्गीत ध्यान कराएंगे। जिनकी बहुत बड़ी बीमारी ठीक हुई है उससे हम क्यों पूछते हैं शिविर में? योग का प्रचार करने के लिए, योग के प्रति लोगों का आकर्षण पैदा हो, योग के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो,
योग से लोगों को प्रेरणा मिले कि अरे योग करने से देखो इसकी बीमारी ठीक हुई तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो जिनके बड़े रोग ठीक हुए हैं वो एक बार खड़े हो जाएंगे, बहुत बड़ी बीमारी सामान्य नहीं, और उनसे पूछेंगे दो चार से, इधर बाई तरफ आ जाएंगे, आगे आ जाओ, जिनकी बड़ी बीमारी ठीक हुई ना यहाँ आ जाएंगे, उजाई करो। ये उज्जाई बहुत जबरदस्त है, गला थायराइड पूरा ठीक 100%, थायराइड की गोलियां बंद हो जाती है, जैसे अभी बहन बोल रही थी ना, ब्लड प्रेशर भी हो गया था, थायराइड भी हो गया था, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो गई थी, योग करके ठीक हो गई कमलेश, रोक के थोड़ी देर रखना फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, ये उज्जाई बहुत जबरदस्त है। ऐसे रोक के रखो फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़िए, गले के लिए बहुत जरूरी है, एक बार सब करो ना, एक तो जवान लड़का उठ के आया, तेरे को क्या ठीक हुआ बेटा जो पीछे से आया भाई, हाँ क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार है जी, मैं जिला करनाल निसंग तहसील से हूँ जी, और जब सिर लगा करनाल में जब मैंने अटेंड किया था जी, उसके बाद मैं शिक्षक बन गया, वहाँ शुरू में गए थे जी हरिद्वार, तो मेरी आंखों में चश्मा लगा हुआ था जी, और मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था छोटे अक्षर। अब वहाँ से ये प्रेरणा मिली थी भी आंखों का व्यायाम है, आंखों का व्यायाम करता रहा मैं, और लगातार मतलब उस दिन से 2006 से मैं शिक्षक भी बना हुआ हूँ, रोज क्लास लगाता हूँ, और आंखों का और मेरी आंखों में बिल्कुल चश्मे का ये ही नहीं पता कहाँ है। तो इस उम्र में, ये तो बड़ी उम्र में चश्मा ही हटा लिया। हाँ काफी दिन हो गए थे चश्मा लगे ना जी, आँख, अब आंख रिपेयर कर ली, ये तो हो गया बड़ी उम्र में। हाँ। बड़ी उम्र में चश्मा उतार सकते हो, उधर एक जवान लड़का खड़ा है, ये अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है, कर लो, एक तो आंख को ऐसे गोल गोल घुमाना ही आंख का व्यायाम है, 10-15 बार 20 बार ये कर लेना, और ये अनुलोम विलोम कर लो, आंवले का जूस पी लो, सबके आंख के चश्मे उतर जाएंगे, कैटरेक्ट ग्लूकोमा पता नहीं क्या क्या बीमारी है, सॉरी नेशनल नाड़ियों में बोला था ना 72,72,10,201 नाड़ियां सारी शुद्ध हो जाती। सीधे बैठो सभी, करो सब, सब करेंगे, कोई चुपचाप नहीं बैठो भाई, देखो सब करो, ऐसे हाथ रखो ये वायु मुद्रा में ऐसे, और दाएं नाक बंद करके बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, ऐसे लंबा लंबा लो। क्या नाम भाई? जी बेटा। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। मेरे ओसोफेगस में अल्सर हो गया था। अल्सर? ये कुछ भी खाता, ओ चाय या कोई मसाले वाली चीज, वो लग के जाती थी और डकारें आती तो यहाँ दर्द होता था। मैंने बहुत से हॉस्पिटल्स में चेक करवाया, एंडोस्कोपी में रिफ्लेक्स ओसोफेगाइटिस, यहाँ पे घाव जो आगे चल के बहुत खतरनाक रूप लेने वाला था। कोई लंबा घाव बना रहे तो मेडिकल साइंस में एक स्पष्ट मान्यता है कि फिर कैंसर हो सकता है, ऐसी स्थिति में पहुंच गया, फिर क्या किया मैंने? स्वामी जी आपसे तो कर ही रहे हैं, उससे पहले हमारे परिवार से स्वामी सत्यानंद जी, जी जो गुलाब बाग महर्षि दयानंद जी ने जहां सत्यार्थ प्रकाश का कुछ एक पाठ लिखा था, जी जी जी, उनसे शुरू में सीखा था परंतु मैंने छोड़ दिया था। स्वामी जी के आने के पश्चात आपके आदेश के अनुसार मैं ये रेगुलर कर रहा हूँ, और जिस दिन छोड़ता हूँ मेरे वो प्रॉब्लम दोबारा राइज हो जाती है, इसलिए तो स्वामी जी अब इसलिए मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन अब वो कितने दिनों से कर रहे बेटा? ये पीछे 10 साल से कर रहा हूँ स्वामी जी, मैं 10 साल से कर रहा है, बीच में जैसे थोड़ा मान ब्रेक लग जाता है तो वो परहेज सारे कर रखे हैं, पर फिर दोबारा राइज थोड़ा थोड़ा राइज हो जाता है, थोड़ा सा बहुत कंट्रोल है, नहीं तो ये बीमारी इसको कैंसर होने वाली थी, अंदर का घाव भर गया। अब योग तो छोड़ना नहीं देखो बेटा, है ना, बहुत कंट्रोल है स्वामी जी। तो यो ये एक ऐसा अंदर के घाव, कई तरह की बीमारियां, तो स्वामी सत्यानंद जी जो महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य थे और बहुत ऊंचे महात्मा थे, उसी स्वामी जी एक लास्ट में और कहना चाहूंगा कि हमने
श्री राम के समय में तो जन्म नहीं दिया, पर श्री रामदेव के समय में जन्म जरूर ले लिया, इसके हम बहुत बहुत भगवान के आभारी हैं। धन्यवाद। तो ये जवान अब योग करने लग गया, पहले परिवार में करते थे बड़े, तो थोड़ा जागरूकता कम थी, फिर लगा नहीं ये रास्ता तो यही ठीक है। अनुलोम विलोम करो सब, ये 10-15 मिनट सबको करना है, इससे ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है, ब्लड प्रेशर की गोलियां धीरे धीरे बंद हो जाती है, किसी के 1 दिन में, किसी के 7 दिन में, किसी के 10-15 दिन में। लौकी का जूस बहुत ज्यादा हो तो मुक्तावटी। ये जो भाटिया जी का मैं अभी उदाहरण दे रहा था, देवकी नंदन भाटिया जी का, इनको ब्लड प्रेशर भी था और चक्कर आते थे, वो गोलियां अब कई साल से बंद हो गई, रोज बीपी चेक करते, 1 दिन भी नहीं बढ़ा, इसको बोलते हैं क्योर होना। तो असाध्य रोग, अनुलोम विलोम करो सब, सबको करना है। कोई 2.5 घंटे का जो सेशन है ना, पूरा अटेंड करो, बहुत जरूरी किसी को काम होता है तो जाया करो, नहीं तो पूरा सेशन अटेंड करो। सबको योगी बनना है, जो नहीं आए उनको भी कर लाना है। वैसे तो हिसार में महर्षि दयानंद का योग का बहुत प्रचार है पहले से, वैदिक धर्म का, अपनी सनातन परंपरा का, लेकिन अब योग को ना ऐसे अपना लेना है जीवन में कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई योग करने से जीवन पूरा बदलता है, तो इसका खुद हमें आदर्श बनना है, खुद एग्जाम्पल बनना है। अनुलोम विलोम जी लगातार लगातार करो मेरे साथ साथ, कोई रुकेगा नहीं। हाँ भाई, स्वामी जी नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम भाई। मेरे फूड पाइप की और मतलब डुडेनम बोलने जी ने पकवास की कैंसर बता दी थी जी, यही करवा था चेक दी मेरे जी। हाँ जी, फिर इसमें डीडी शर्मा में चेक करवा दी, एंडोस्कोपी करवाई, नलवा लेबोरेटरी जी इंसार में ही यहाँ जी, उसमें चेक करवा दी उसने, तो मैं रिपोर्ट ले गया, डॉक्टर साहब ने कहा आप जिंदल में बिक जाओ, विवेक गुप्ता एक लवनीश गोयल है उनको दिखा लो, माध्य के बाद आप दुआई दें दे। बला जी उन्हें को दिखा लियो। नाम क्या आपका? करण सिंह हुड्डा जी। करण सिंह हुड्डा, फिर क्या किया भाई? फिर जी 21 दिन की दुआई दी, विवेक गुप्ता जी को दिखाया मैंने जी, कोई आराम नहीं हुआ जी बिल्कुल भी। चलो डॉक्टरों का तो नाम नहीं बोलो, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे कि बाबा जी के चेले मारे नाम ले। कोई हमारे कोई गुरु चेले वाला तो कोई बात नहीं, हम कई बार ना वही नाराज हो, वो तो एलोपैथी की एक हद है, डॉक्टर क्या करेगा, वो तो दवाई नहीं काम कर रही। तो फिर ये सारे काम कर लिए, फिर क्या किया? फिर जी आप 2008 में गुरुकुल कड़वा आए थे। अच्छा। हाँ वहां गया था जी मैं, आपसे मिलके आया था, फिर वहां आपने कहा जी हमारे वैद्यों से मिल लो और बता देंगे आपको और योग करो। मैं दवाई तो कोई नहीं ली जी, मतलब कोई आराम नहीं हो, दवाइयों से मैंने योग करा दी, योग से आराम हुआ। अब क्या हाल है? ठीक सुन जी, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, कैंसर बता दिया था ये सामने खड़ा, नहीं तो अभी तक तो इसके फुट पर मोड़ा टंगी होती, स्वर्गवासी हो चुका होता। एक बात और, 2008 की बात है, ये अन्ना नली का कैंसर बोलते हैं इसको, और यहाँ के सारे डॉक्टरों के लैब के सबके नाम भी बता दिए। ये कोई आजकल ना बहुत से ढोंगी पाखंडी टीवी पाते हैं, महाराज गुरु महाराज आपकी कृपा हो गई, और गुरु भी कृपा कैसे करते हैं, कोई रसगुल्ले से कृपा कर रहा है, कोई गुलाब जामुन से, कोई गोलगप्पों से, ये भाई कोई ये कृपा का कारोबार नहीं है, ये योग का विज्ञान है, कोई करके देख ले है? तो ये भाई करण सिंह हुड्डा, वैसे तो हरियाणा के आदमी ना बड़े साफ सुथरे हुआ करते थे, आजकल पता नहीं इन पाखंडियों के चक्कर में कैसे पड़ गए। सुनो, महर्षि दयानंद ने सबसे ज्यादा यही समय दिया और ये योग किया भाई ने। कितनी देर करता था भाई करण सिंह? पौना घंटा जी। पौना घंटा, पौना घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम। स्वामी जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं जी, कह लो। वैसे तो स्वामी अग्निदेव जी भी समय हमारे मतलब 1964 से आया करते जी। जी जी। हाँ, तो योग के बारे में बता रहे, जो आपने मतलब योग को दुनिया में झंडा काटा हो, मतलब आज तक किसी ने नहीं करा दी। अच्छा, हरियाणा वाले जब तक अपने भीतर की ना कह ले ना, तसल्ली सी ना होती इनका, तो बोले बाबा मेरा तो कैंसर ठीक हो ही गया, योग का झंडे काट दिए ना, तो ना यो बढ़िया काम किया। तो
तो भाई एक बार ये करण सिंह कैंसर ठीक करके बैठा है और ये तो पूछा था पता लगा। तो भाई जब कैंसर ठीक हो सके तो ये छोटी मोटी बीमारी क्या करेंगी भाई। इसलिए योग करो, रोग तो नामो निशान ही रहेगा, बिल्कुल एकदम पक्की बात है। सीधे बैठो, जरा कर लो ना 5 मिनट करके, फिर हाथ नीचे आ जाए, 10-15 मिनट करना है कम से कम, तो फायदा होगा ना पूरा। हाँ जी जी बाबा जी, ओम ओम बे। बाबा जी मेरे को 5-6 साल से माइग्रेन पेन की प्रॉब्लम थी और बाबा जी सर्वाइकल था, घुटनों में दर्द रहता था और जैसे मैं दवाइयाँ खाती थी और सो जाती थी, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, घर वाले भी परेशान थे बाबा जी, मैं खुद भी परेशान थी। बाबा जी मेरी बड़ी दीदी मधुर स्मृति ने मेरे को कहा कि बाबा रामदेव का योग कर और सारी दवाइयाँ फेंक दे, मैंने उसी दिन से बाबा जी अपनी दवाई फेंक दी और रिपोर्टें फाड़ दी, पक्की है सारी दवाई फेंक दी, और उसी दिन से बाबा जी मैंने योग और प्रणाम शुरू किया और 4 महीने से मैं जिंदल पार्क में भाई जगदीश जी की क्लास अटेंड करती हूँ। मैं अब मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेन पेन सर्वाइकल कुछ भी नहीं है बाबा जी। नाम क्या जी? बिमला है बाबा जी। बिमला ने माइग्रेन की डिप्रेशन की 11 किलो वजन कम किया मैंने, 11 किलो तो वजन कम कर लिया, डिप्रेशन खत्म कर लिया। बाबा जी मेरे पति को पूरे शरीर में गांठे थी, पहले तो कहते थे कुछ नहीं होता योग से, और जैसे मेरे को ठीक होते हुए देखा, उन्होंने भी शुरू किया, उनकी गांठे कम हो गई और 3 किलो वजन कम हो गया बाबा जी। उनका पति भी ठीक कर लिया। बाबा जी मैं आपका और अपनी बहन मधु स्मृति का और भाई जगदीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कार्यकर्ता 250 कक्षाएं लगाते हैं यहाँ, सभी बहन भाइयों को कहती हूँ कि आप सरकार इनकी अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ना जाके योग की तरफ ध्यान दे और किसी डॉक्टर से ना दिखाए, हम अपने शरीर के खुद ही एक डॉक्टर हैं। ये लो सलाह भी दे दी अपनी, तो डॉक्टर से दिखा लियो भाई, ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो हा? लेकिन दोनों हाथ देखो, कंधों पर रखो, गोल घुमा लो, एक बार रिलैक्स हो जाओ। देखो जब आदमी निराश हो जाता है ना भाई, ज्यादा बीमारी हो तो दिखा लेना डॉक्टर से, लेकिन योग जरूर कर लेना। लेकिन इस बहन ने तो क्या क्या दवाई खा खा के परेशान हो रखी, सारी दवाई फेंक कर योग करना शुरू कर दिया। डिप्रेशन में तो नींद की दवाइयां दे देते हैं, आदमी सोता रहता है। तो यो देखो ये 8 प्राणायाम ना बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको शुरू में मैंने व्यायाम आसन और सारी चीजें बताई और अंत में ये प्राणायाम बता रहे हैं। प्राणायाम ना, ज्यादा बीमारी हो तो ज्यादा समय कर लो, थोड़ी बीमारी हो तो थोड़ा कर लो, प्राणायाम और ध्यान करो, फिर देखो कोई शरीर में ना रोग नहीं रह सकता। आपने कई बीमारियां, तो मैंने ये 2-4 लोगों से इसलिए पूछा कि योग करने से ना शरीर में फिर रोग नहीं रहता। ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो ऐसे, इससे रिलैक्स हो जाते हैं। और ये कपालभाति आधा से 1 घंटा असाध्य रोगों में, जैसे भाई करण सिंह ने 1.25 घंटा किया, वैसे हम 1-1 घंटा बताते हैं, ज्यादा हो जाए तो, और ये कम से कम आधा से 1-1 घंटा ही अनुलोम विलोम करो। एक बार अनुलोम विलोम थोड़ा और कर लो, कपाल भाती तो पूरा करवा दिया था आपसे, अनुलोम विलोम थोड़ा और कर लो भाई, करो सब 5 मिनट कर लो, फिर आपको भ्रामरी उद्गीत और ध्यान कराएंगे, बहुत कुछ आगे भी। कैसे जीवन पद्धति हो हमारी, सुबह उठने से लेकर के शाम तक की पूरी दिनचर्या हमारी कैसी हो, अनुलोम विलोम कर लो सब, ये भी बहुत कुछ बताएंगे। मैंने कहा था ना 5 दिन में आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, करो सब करेंगे अनुलोम विलोम। हाँ जी जी बाबा जी, ओम ओम माता जी। मेरा नाम विद्या रानी है, मैं कला अध्यापिका से रिटायर हूँ जी, और मेरी 50% नस ब्लॉक हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। किसकी? हार्ट की। हाँ जी 50%। मैंने दवाई पहले जिन हॉस्पिटल से खाई जी, बाद में फिर मैंने यहाँ जिंदल 7-8 महीने जिंदल हॉस्पिटल से ली और उन्होंने बोल दिया माता जी आप ऑपरेशन कराओ, आपकी 50% नस ब्लॉक है। तो उस टाइम मैं अध्यापिका थी, मैं कहने लगी भी जी मेरे को तो 6 महीने छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं तो ऑपरेशन नहीं कराती। बाद में फिर मैंने आपका शिविर अटेंड किया हरिद्वार में। अच्छा। और हरिद्वार में शिविर अटेंड करने के बाद मैंने आपका प्राणायाम और ये एक्सरसाइज जो कमर वाली होती है जी, वो एक्सरसाइज की मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाने की जरूरत पड़ी और मैं बिल्कुल सही हूँ। पाँव में बिल्कुल यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक दर्द यहाँ तक आता था और बाद में भी फिर ये घुटनों में भी दर्द हो गया था जी। मैं आपका प्राणायाम अब 1.5 घंटा से 1 घंटा करती हूँ जी, सुबह 3:30 बजे शुरू कर देती हूँ जी और 7 बजे अलग एक्सरसाइज वगैरह 7 बजे एक बार 3:30 बजे उठ जाती है, 3:30 बजे उठ जाती हूँ डेली जी। लो
ये माता देखो। और मेरा वजन भी जी अब 7-8 किलो वजन कम हो गया, पहले 67 के करीब था जी, अब मेरा 57 किलो 59 किलो है जी अब वजन। तो 7-8 किलो वजन कम कर लिया और हार्ट के ब्लॉकेज बता दिए थे, एंजियोग्राफी करवाई तो बोला ऑपरेशन करवा ले माँ, तो बोले मैं ऑपरेशन करवा तो छुट्टी कैसे मिलेगी 5-6 महीने की, और वो पैसे और लगते ऊपर से, वो सारे बच गए। क्या नाम है माँ? मेरा नाम विद्या रानी है जी, गांव खंडा खेड़ी है जी, कैप्टन वाला खंडा खेड़ी की। और मेरे इस बैंड भी योग शिक्षक हैं जी, और आप यहीं जुड़े हुए हैं जी हम आपकी संस्था के साथ जी। सब कर रहे हैं अब, योग का खंडा चला दिया और भीतर का सारा ब्लॉकेज ब्लॉकेज खत्म। लौकी का जूस पी और उनकी चाल हृदयामृत ज्यादा हो तो, नहीं तो अपना प्राणायाम से ही सब अंदर से क्लियर हो जाता है। अनुलोम विलोम 2-3 मिनट और कर लो चलो। हाँ भाई। ओम जी। ओम भाई। हाँ मैं राम कुमार निमीवाल सरसा जिला से आया हूँ जी, गांव मेरा फ्रोंकना है। मेरे को डॉक्टरों ने ब्लॉकेज बता दी, 90% 95% एक नाड़ी में 100% है जी। तो कृष्ण जी ने योग बताया, आप योग करा करो ठीक हो जाएगी, खुल जाएगी। अब मैं चल फिर सकता हूँ जी, दौड़ भी सकता हूँ। कितनी दिन की बात है? 2015 की बात है जी, अभी की बात है। ब्लॉकेज 90% बता दिए तो आदमी उससे सब तो मरेगा। प्राणायाम करने से या तो आर्टरीज, मेन आर्टरीज ओपन हो जाती है तो कोलेटरल आर्टरीज तैयार हो जाती है, खास बात है, बहुत जबरदस्त काम है। तो करो बस थोड़ा अर्जुन की छाल हृदयामृत और ले लेना, आशीर्वाद है। चलो अब देखो सब रिलैक्स हो जाएंगे। हमारे सत्येंद्र गुप्ता SSP हैं और ये भी हमारे बड़े ऊर्जावान योगी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सत्येंद्र गुप्ता जी को भी, SSP साहब को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे SSP साहब, हमारे यहाँ के DC साहब भाई चंद्रशेखर जी, सब भी योग कर रहे हैं। और आदरणीय खट्टर साहब भी आपके योग शिविर में आने वाले हैं और वो भी रोज योग करते, एक अच्छी बात है। मेरे से कल ही बात हुई, बोले बाबा जी सारा हिसार योग कर रहा है और हम भी आएंगे सबके बीच में, और आचार्य कुलम बनाने के लिए उनसे जमीन उनसे लेंगे और आप और हम सब मिलकर के बनाएंगे एक बहुत बढ़िया सेंटर यहाँ पर शिक्षा का होगा। करीब करीब 2,500 बच्चों का ये आचार्य कुलम होगा, जिसमें गांव गरीब के बच्चों से लेकर के और सब बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनको शिक्षा और संस्कार देंगे। और वो हिसारी का नाम नहीं, हरियाणा का ही नाम नहीं, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, ऐसे बच्चे हम आचार्य कुलम में तैयार करेंगे। अब हिंदुस्तान का नेतृत्व वो बड़े बड़े महलों में तैयार नहीं होगा, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड में नहीं तैयार होगा, वो हमारे आचार्य कुलम में, जो हमारी वैदिक शिक्षा, जो बहुत पुरानी हमारी शिक्षा थी, ज्ञान विज्ञान साइंस कंप्यूटर हमें सब कुछ सिखाना है, लेकिन बच्चों को अपने वो वैदिक संस्कार जो भूल गए थे हम उनको भी देना है। तो आचार्य कुलम बनेगा यहाँ, आप सबने उसके लिए बहुत सहयोग किया है। कल हमारे भाई शशि भाटिया जी ने 1,00,000 रुपए का, और हमारे भाई त्रिलोक चंद हमारे शर्मा जी हैं, उन्होंने 5,00,000 रुपए का योगदान दिया, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब में भी जो समर्थ भाई बहन है उनसे योगदान लेंगे। हमने कहा था करीब ये 20-25 करोड़ रुपए का आचार्य कुलम का प्रोजेक्ट होगा, बहुत बढ़िया बनाना है, एक आदर्श शिक्षा का संस्थान जिसमें आधुनिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा का एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल का एक ये एजुकेशन सेंटर बनेगा। इसमें भी आपका सहयोग लिया है हम सबने, जो आपसे जो थोड़ा बहुत सहयोग लिया है ना दान पत्रों का, ये इसी के लिए लिया है कि आप थोड़ा थोड़ा आहुति सब डालो और आपको भी लगे कि नहीं ये संस्थान मेरा भी है। तो एक बहन कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी जी। प्रणाम बाबा जी। तब तक 2-3 मिनट और कर लो, फिर इसके बाद तो ध्यान कराना, अनुलोम मिलो। बाबा जी मेरा ऑपरेशन से है ना 90 किलो और 85 के बीच वेट हो गया था, तो उसके बाद मैंने आपका मतलब बीमारियां भी बहुत सारी हो गई थी, मैं बीमारी बताना चाहूंगी। पहले मेरी कब्ज, टेंशन, मोटापा, दांतों से खून निकलना, कान में गड़म गड़म की आवाज, आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया था बाबा जी, तो सिर दर्द रहता था, बुखार, जैसे पागल हो जाते हैं ना, डिप्रेशन में, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गई थी सर, खून की भी कमी। नाम क्या जी आपका? प्रोमिला है सर। प्रोमिला बावड़ी हो गई थी दवा खा खा के, आंखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, और तो जैसे स्किन से ऐसे यूं पड़ने लग गया था सर, जैसे ऐसे बूर बूर सा उतर उतर के शरीर से, मतलब ऐसे सोराइसिस जैसा। कब्ज हो गया था सर, खून आने लग गया था बाबा जी कब्ज उसमें, और तो गांठे इधर इतनी मोटी मोटी 2 गांठे हो गई थी, एक इधर पीछे वो भर जाती, बाद में हो जाती, फिर भर जाती बाद में, मतलब होने लगी सर। फिर दूसरा
मतलब ब्लीडिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी थी जो मासिक धर्म में। हाँ जी, तो बहन की एक तरह से ना बीमारियों का घर हो गया था पूरा शरीर। फिर जीजी योग किया? मेरी बहन ने मेरे को बोला कि भाई तू सारा दिन डिप्रेशन में रहती है, मतलब योगा किया कर सुबह उठ के और बाबा जी का आस्था चैनल देखा कर। फिर मैंने स्टार्ट किया बाबा जी, तो मेरा 3 महीने में मतलब लोग यूं पूछने लगे भी क्या हो गया प्रोमलेदर को, क्या हो गया भी, क्या हो गया, यूं पूछने लगे। और 6 महीने में तो मेरा 50 केजी वेट हो गया सर। उसके बाद मैंने और कोशिश की, 45 तक वेट आ गया था। फिर सारे बोले कि तू तो बिल्कुल ही वो हो गई है, क्या करती है। मैंने कहा अभी मैं बाबा जी का योग करने लगी हूँ। 90 किलो से 45 किलो की कम ये और, तो और 3 महीने में बाबा जी जो ये गांठ थी ना इधर पीछे भरने वाली थी उसका यूं ही नहीं पता चला कहाँ गायब होगी, गांठ गायब होगी। और डिप्रेशन, डिप्रेशन भी बाबा जी मतलब और वो चमड़ी उधड़ती थी जी, वो भी सही होगी बाबा जी। तो सारी बीमारी प्रोमी लाने योग से ठीक कर ली। दूसरा बाबा जी अब मैं सारे आसन कर लेती हूँ आपके, शीर्षासन है, सर्वांग है, जो भी है सारे टोटली। तो एक पेशेंट और है बाबा जी, मेरे भाई का लड़का है सुमित, वो 8-9 साल से बेड पे ही है। उसको भी मैंने बोला कि कपाल भाती अनुलोम विलोम किया करो, तो उसको सुनाई नहीं देता था। अब उसको मतलब 20-25 पे टीवी की आवाज सुनाई देने लगी बाबा जी। बात आशीर्वाद, साथ में ही आया है बाबा जी वो भी। चलो ऊपर आ जा प्रोमिला, तू तो ये तो मर गई होती अब तक। इतनी दवाई खाती थी, डिप्रेशन की दवाई, किस किस की दवा खाया, कान खराब, पेट खराब, शरीर में गांठे, चमड़ी खराब, क्या क्या बीमारी। नहीं ऐसे बहुत लोग हैं, सारा शरीर में जिस्म में बीमारी भर गई, क्या करें। अब हर बीमारी का अलग डॉक्टर, अलग दवा, फिर दवा खाओ तो उनके साइड इफेक्ट, हड्डी से चोटी तक पूरे शरीर में बीमारी भर गई। योग किया और अब एकदम, और ये इसका फोटो है, स्क्रीन पर देख लो तुम, अब ये सामने खड़ी है, इधर बैठ। ये फोटो इसका, कोई 90 किलो वाला, इसका चेहरा अब से डबल था, ये दिख रहा है ना तुमने। बोला मधुमक्खियों ने काट रखा, ऐसी हो रखी है तू। ये है इसका पुराना फोटो है, और मोटे वाला पूरा नहीं खींच रखा था, चेहरे चेहरे का बालक के साथ है इसका ये, तो इसका चेहरा देख के बेरा पाट रहा है। शीर्षासन भी कर लेती है, तो बच्चा बीमार, पेट में बच्चा भी था तो इतना दिक्कत होगी थी। बोले या तो बच्चा मरेगा तू मरेगी। अब ये योग करने लगी तो ना बच्चा मरा ना मां मरी, बच्चा बच्चा दोनों एकदम अच्छे। लो बात आशीर्वाद है, ये शीर्षासन करके दिखाई, तो चुन्नी बांध करके दिखा फिर। अब देखो ये जो डिप्रेशन भी थी ना, ये हरियाणा के लोग भी पक्के ही हैं एकदम, एक तरफ तो पूरे बीमार, अब से आसन भी कर लेंगे तो शीर्षासन तक पहुंच गए। करके दिखा दीजिए, ये देखो एकदम पक्की है भाई जी जी, तो आराम से करियो जी जी। ओहो ये तो अब देखो इतनी जोरदार कर रही है, अब तो बालकों की मां हो गई है। नहीं तो डॉक्टर ने बोल दिया था या तो बच्चा मरेगा या तो तू मरेगी, ना बच्चा मरा ना मां मरी। ले अपने बालक को च्यवनप्राश खिला दियो, बाबा का प्रसाद ले। चल सब ठीक हो जाएगा। अब देखो इसको कहते हैं उत्साह, क्यों मरे मरे बाबा जी मर गया, बाबा जी मैं तो मर गई, मैं क्या करूं, तू वो कर दो पूर्व मिला ने किया, यो कर लो, कोई बावड़े हो रखे। चलो सीधे बैठो, ये तो मैंने थोड़ा पूछा तो पता लगा कि प्रोमिला से लेकर के, करण सिंह से लेकर के, कमलेश से लेकर के जिंदगियां बदल रही हैं। आओ सीधे बैठो, अब ब्राह्मणी करना, पहले उंगली माथे पर, शीश तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, कान बंद मुख बंद ओंकार का नाद नासिका से सबको करना है ब्राह्मणी प्राणायाम। सब सहज होकर के बैठेंगे, जो जहां है वहीं बैठ जाएंगे, थोड़ी देर कार्यकर्ता भी बैठ जाएंगे, सब करो ध्यान, बहुत जरूरी है। मुख बंद ओंकार का नाद होगा, आज्ञा चक्र में मन को टिकाएंगे, आज्ञा चक्र से पूरी सृष्टि चक्र में एक ही भगवान की तो महिमा है।
ऐसे कम से कम 3, 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं भ्रामरी। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, भाव से श्रद्धा से ओम का जाप। भ्रामरी के बाद ये उद्गीत प्राणायाम इसको कहते हैं। ओ से ओम का जप करना, फिर थोड़ी देर शांत होकर के बैठेंगे, कंप्लीट साइलेंस मोड, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, फिर उधर ने सीधा आंखें बंद, सहज होकर के श्वासों को देखना, जितने श्वास सूक्ष्म हो उतना ही मन शांत। पंद्रह बीस सेकेंड से लेकर के धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो आधा मिनट में श्वास का लेना, आधा मिनट में श्वास का छोड़ना, ऐसे हो पाएगा ही। इससे मन एकदम शांत। मन शांत हो जाता है, ओम का जप चलता रहता है। ऐसे कम से कम 5 मिनट ध्यान अवश्य करना चाहिए, इससे फिर हम भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं और भगवान में रह करके फिर भगवान की प्रेरणा के अनुरूप जीवन जीते हैं। आत्मा में परमात्मा जो प्रेरणा देता है वो भगवान की आज्ञा, भगवान का आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश, आत्माज्ञा, वेद आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा में जीवन को जीना, आत्मानुकूल, वेदानुकूल, शास्त्र और समर्थ गुरुओं के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल आचरण करना, यही योग, यही ध्यान। तो ऐसे ओम ओम का जप करने से मन एकदम शांत हो जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए, दोनों हाथ आंखों पर। देखो, एक है भगवान का नाम, भगवान का नाम है ओम, ओम इति काक्षरम ब्रह्म, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो ओम का सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा। ओम भगवान का सबसे बड़ा नाम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, सारे ऋषि मुनियों ने ओम ही का जाप किया था और
ये तो हो गया भगवान का नाम। भगवान का दर्शन क्या है? ये सारी सृष्टि यही भगवान का दर्शन है। शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के शरीर से लेकर के सारा ब्रह्मांड भगवान ने ही बनाया। इंसान के बस की बात नहीं कि सृष्टि का एक परमाणु भी बना दे। तो सारी सृष्टि में जहां तक दृष्टि जाए भगवान ही का दर्शन हम करें, माता में, पिता में, गुरु में, पुत्र में, मित्र में, सखा में, सब में भगवान का दर्शन। तो ये हो गया भगवान का दर्शन, सब में भगवान को देखो। फिर भगवान की पूजा क्या है? अपना कर्म ही भगवान की पूजा है। जैसा भगवान अपने आत्मा में प्रेरणा करते हैं वैसा कर्म करना, यही भगवान की पूजा है। कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म ही हमारी पूजा है। इस रूप में जो है हमको भगवान की पूजा करनी है। तो आज आपको भगवान का नाम बताया, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रत्यक्ष रूप क्या है, मूर्त रूप क्या है, सगुण साकार रूप क्या है। तो ये सारी सृष्टि और पूजा कैसे करनी, अपना काम ठीक से करो, यही भगवान की पूजा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, अपने काम से भगवान की पूजा करो। तो आज इन बातों को बताया, कल और गहराई से योग सिखाएंगे। अब अंत में थोड़ी दिनचर्या के बारे में बता के आज के सत्र को विराम देंगे। आज हरियाणा का पुलिस दिवस भी है, तो एक बार उनका भी हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सब हमारे पुलिस के भाई योग करें, स्वस्थ रहें, अपने आप अपनी भी सुरक्षा करें योग से, और सबकी सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध रहें। अब देखो थोड़ी सी दिनचर्या के बारे में, सुबह उठ करके गर्म पानी पिया करो। पेट साफ नहीं होता तो आंवला एलोवेरा का जूस तेज गर्म पानी में पी लो, एकदम बढ़िया पेट साफ हो जाता है। दिन भर एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है। इम्यून सिस्टम जिनका वीक है थोड़ी गिरोई की, पेट साफ नहीं रहता, बहुत ही खराब रहता है, तो रात को थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण ले लेना। तेज चूर्ण नहीं लेना चाहिए पेट साफ करने वाला, उससे आंतें कमजोर हो जाती है। त्रिफला का चूर्ण सबसे अच्छा है, बाकी जितने भी तेज चूर्ण है वो आंतों को कमजोर करते हैं। चबा चबा के खाना खाओ। जिनको कब्ज है वो पपीता, सेब, और यदि पपीता सेब ना मिले तो जो मिले वही हरी सब्जी ले लो, लौकी, तोरी, परवल, टिंडे, गाजर, पालक, मेथी, बथुआ, जो मिले हरी सब्जी खाओ। उससे एक तो ताकत बहुत रहती है उसमें और पेट बहुत अच्छा रहता है। खाना ऐसे खाओ चबाते चबाते लिक्विड हो जाना चाहिए। ज्यादातर लोग खाते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, 99% लोग। आप अपनी स्पीड को कम से कम जो है आधा कर दो, जितनी तेजी से कर रहे हो ना। यदि आपको अभी 10 मिनट लगते हैं खाने में तो 20 मिनट लगा दो, खुराक भी अपने आप ही आधी हो जाएगी। ओवर खाते हैं हम, ओवर डाइटिंग। तो खाओ चबा चबा करके, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध, ये क्रम है। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध लेना चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीज खड़े होकर के नहीं खानी चाहिए, पानी भी ऐसे बैठ के पीना चाहिए। खड़े होकर के जो पानी पीते हैं उनको कुछ समय के बाद घुटनों में दर्द होने लगता है। एक छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है। बैठ के ही खाओ पियो, और खान पान के बारे में 2-3 बातें और बता देता हूं। जिनको पेट की बीमारी ज्यादा है उनको घी और मीठा, इससे परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पेट जठराग्नि कमजोर होती है ना, तो घी से दिक्कत होती है। जिनका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है, खाओ घी, क्या दिक्कत है उसमें। गाय का घी खाओ, उसमें कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए, पेट के लिए, दिमाग के लिए, नसनाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे आयु बढ़ती है। 100-100 साल तक हमारे बड़े बुजुर्ग खाया करते थे, एकदम ठीक रहा करते थे, ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना कोई हार्ट की बीमारी, और शरीर में चमक रहती थी, कोई लिपापोती नहीं करनी पड़ती थी। घी खाने से चमड़ी पर भी चमक आती है। हम तो गांव के आदमी भाई, हम जो ऊंट और बैल ना कमजोर हो जाते थे तो उनको जिनके पास घी होता तो घी की, नहीं तो सरसों के तेल की नाड़ दिया करते थे, तो ऊंट और बैल पर उसमें भी चमक आ जाया करती थी, गाय भैंस में भी चमक आ जाए कुछ दिन खिला। तो आदमी जो है ना अच्छी चीज तो भूल गया। अब इतनी सी डब्बी आवा 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 500 रुपए का गाय का घी ले लो पतंजलि का, 450 रुपए का आता है।
इतनी सी डब्बी लेंगे और इसमें बोलेंगे एंटी रिंकल क्रीम है, ये ब्यूटी क्रीम है, इसके लगाने से चेहरे पर रौनक आ जाएगी। अरे सुबह सुबह योग कर ले, गाय का घी खा, दूध में डाल के एक चम्मच घुमा के पी ले, दिमाग तरताजा रहेगा, सिर में दर्द नहीं होगा। ये गाय का घी दूध में डाल के पी सकते हो, सिर में जिनको दर्द रहता है इसको थोड़ा नाक में डाल के सूंघ ऐसे निगल सकते हो, सिर में दर्द गायब। जिनको बहुत सिर में दर्द होता है ये लिया करो, दूध में डाल के और पी लो, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं बढ़ता। हमने तो 5-5 किलो खा रखा महीने का, तो इतनी मजबूती है। और 18-18 घंटे काम करते हैं, 20 लाख किलोमीटर की यात्रा कर ली, इतनी यात्रा करके तो कमर का कबाड़ा हो चुका होता अभी तक। हड्डियां मांसपेशियां मजबूत है तो बचपन से देसी घी खा रखा है, लेकिन खाने के लिए पचाना भी पड़ेगा। तो घी 1-2 चम्मच खाया करो, सब 2 चम्मच घी तो सबको खाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी जो डाइटिशियन है ना वो भी कहते हैं इतना घी तो सबको किसी न किसी रूप में लेना ही चाहिए। चिकनाई ये शरीर के लिए जरूरी है, इतनी चेहरे पर चमक रहेगी। और फिर जिनको पेट की ज्यादा बीमारी हो, माने कोलाइटिस आदि हो, तो फिर घी मीठा और दूध नहीं लेना चाहिए। जो कोलाइटिस बार बार सोच जाने की बीमारी है ना, फिर उसमें छाछ लेनी चाहिए, छाछ और दही। हाँ, उसमें अनार औषधि का काम करता है, कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। पेट के लिए अनार से बढ़िया कोई चीज नहीं। जिनका ज्यादा ही पेट खराब हो, अनार लिया करो, खाने के एक बाद एक कटोरी अनार चबा चबा के खा लो। जिनके दांत ठीक ठाक हो, और भाई जिनके थोड़े कमजोर हो तो थोड़ा उसको पपोड़ के रस ले लो उसका। हरियाणा की भाषा में पपोड़ के बोलते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा चबा चबा के उसका रस ले लो। पेट के लिए अमृत है अनार, अनार पपीता सेव जो जिसको उपलब्ध हो, खैर अनार पेट के लिए अमृत है। अनार बेल आंव की बीमारी ठीक हो जाती है, आंव की बीमारी। दूध नहीं पीना ज्यादा आंव होने पर। हाँ, ये तो पेट के लिए बताया। शुगर के लिए मैंने खीरा करेला टमाटर का जूस बताया, लौकी का जूस सबके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मोटापा के लिए, हार्ट के लिए, सबके लिए, प्रोस्टेट के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। थोड़ा सा खान पान में चेंज करो और फिर देखो, जो कमजोर है वो दूध में अश्वगंधा डाल के ले, कमजोरी है ज्यादा ही तो अश्वशिरा कैप्सूल ले लें, अश्वगंधा कैप्सूल ले लें, शिलाजीत ले लें, थोड़ा कमजोरी दूर हो जाएगी। वजन कम है या बढ़ाने वाले भी घने मिलते हैं, तो जिनको बढ़ाना है तो दूध के साथ केला खा लो। और उसमें क्या करो, 2-3 केले काट के और उसमें 2-3 चम्मच गाय का घी डाल दो, उसमें 2-3 चम्मच गाय का घी डाल करके और ही ज्यादा पकवान सा बनाना है तो 2-3 चम्मच शहद डाल दो, शहद डाल दो, घी डाल दो, केला और डाल करके एक हलवा सा तैयार हो जाता है। उसको चबा चबा के आराम आराम से खा लो और ऊपर से 1-2 गिलास गर्म दूध पी लो। 1 महीने में ही 8-10 किलो वजन बढ़ जाएगा जिनका कम है। ये वजन बढ़ाने का भी फार्मूला बता दिया, घटाने वाला तो रोज बताते हैं। गोमूत्र पी लो, मेदो हरबट्टी खा लो, अश्वगंधा के पत्ते खा लो, प्राणायाम करो, गर्म पानी पियो। वजन घटाने के लिए तो बहुत तरीके बताते हैं, पुष्टाहार दलिया ले लो, गेहूं बाजरा मूंग चावल का जो मिक्स खिचड़ी टाइप दलिया बनता बहुत जबरदस्त, ये बढ़ाने के लिए बता दिया। ऐसे डाइट कंट्रोल करो, जिनको जोड़ों में दर्द है खटाई मत खाओ। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने आहार विचार सबको ठीक रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आज जो नहीं आ पाए उनको कल लाएंगे। अब जाने से पहले एक बार सिंहासन करेंगे, ऐसे बैठ के ना, ऐसे सिंहासन होता है, कैसे ये बहुत अच्छा होता है। और देखो गले की मसाज करो, ये योग का उत्सव जो हिसार में चल रहा है, इसमें सब भाई बहनों ने जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया है अखबारों में और अलग अलग बैनर्स में, होल्डिंग्स में, इस पूरी व्यवस्था में, उन सबको धन्यवाद। हमारे मीडिया के भाइयों को हमने कल भी इसलिए धन्यवाद किया कि इस योग को जन आंदोलन बनाने में उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई। एक बार फिर से हम दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हरिभूमि, समस्त हरियाणा, दैनिक जीवन, हरियाणा मंच, पैरागान न्यूज, नवछोर, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जुनून, गंगापुत्र टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, जगत क्रांति, दैनिक सवेरा टाइम्स आदि सभी, हिसार टुडे, पाठक पक्ष, तमाम जो अलग अलग अखबार हैं उन सबको, यहाँ के अलग अलग टीवी चैनलों को धन्यवाद। एक बार जाने से पहले हास्यासन करके जाएंगे, जरा हाथ उठा के मस्ती से।
ऐसे ही मस्त रहे और फिर से